जय हिंद एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक की ऑफ कॉमन सब्जेक्ट तो जो हमारा कॉमन पार्ट है आपके सर्टिफिकेट एग्जाम का उसकी बात करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है उसकी पी डी एफ बना ली है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा सबसे पहला है क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ डी तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इज द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ़ एन डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एन सी सी आर द रैंक ऑफ एस डी एस तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए की रैंक्स क्या होती हैं तो लेफ्टिनेंट कैप्टन एंड मेजर मेजर से ऊपर ए एन प्रमोट नहीं होते हैं तो मेजर ठीक है तो ये आप आर्मी नेवी ए फोर्स तीनों में इसको देख लीजिएगा इसकी इक्वेलियन रैंक व्हाट आर द रैंक्स ऑफ जेडी जेडब्ल्यू जे एन तो थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर फर्स्ट ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर नेम द सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आ जाता है ट्री प्लांटेशन ब्लड डोनेशन ओल्ड एज होम्स Uh, adult education, community work, disaster relief, AIDS, and cancer awareness programs. <laughs> वट आर द फंडामेंटल्स ऑफ नेशनल यूनिटी ये हैं आपके लैंग्वेज कास्टिज्म एजुकेशन कम्यूनलिज़म एंड रीजनलिज्म ये भी पूछा जाता है एम्स भी पूछे जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प के की. तो एम्स हैं आपके अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द यूथ ठीक है या फिर जो आपकी यंग जनरेशन है उनके अमंगस्ट ठीक है अवेयरनेस जागरूकता क्रिएट करना जो डाइवर्स किस चीज़ के बारे में जागरूकता जो डाइवर्सिटी है इंडिया की कल्चरली ठीक है और जो हिस्ट्री है हिस्टोरिकली उसके बारे में नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको बढ़ावा देना डिस्पाइट कि मतलब वही डिस्पाइट द डाइवर्सिटी कि इतना कल्चर अलग है रिलीजन अलग है जोग्राफिकल बाउंड्रीज अलग है और इन्वायरमेंट का भी ऊपर नीचे हिसाब है बट स्टिल वी आर वन तो एक्सपीरियंस गेन करना एक साथ कोऑपरेटिवली रहना एक साथ वर्क इन हार्मनी विद द कैडेट्स ऑफ अदर स्टेट ठीक है जिनको वो पहले नहीं जानते हैं टू हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ द कैडेट्स मेजर इंडियन रिलीजन्स क्या हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सिख बुद्धिस्ट एंड जैन वॉट इज़ द इम्पॉटेंस ऑफ नेशनल यूनिटी ये भी पूछ लिया जाता है नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम परस्पेक्टिव से नेशनल यूनिटी असेंशियल है इंपॉर्टेंट है सोशल वेलबींग well के लिए पीस के लिए हारमनी के लिए जो लोग हैं वो पीस और सिक्योरिटी को इंजॉय करते हैं एक म्यूचुअल ट्रस्ट आपसी विश्वास होना चाहिए गुडविल होनी चाहिए ठीक है अच्छा अच्छा हित सोचना ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस का किसी का बुरा ना चाहना सारे सेक्शंस का अच्छा सोचना किसी का बुरा ना चाहना कोई प्रोग्रेस नहीं बनाई जा सकती है आ, किसी भी फील्ड में ठीक है अगर आ, मतलब कोई भी आ, ऐसी फोर्सेस हैं सोसाइटी में ठीक है जिसको हम डिसव फोर्सेस कहते हैं या डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस कहते हैं तो आ, उस उसकी वजह से भई आपका नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता है तो नेशन तभी कर सकता है प्रोग्रेस जब आपके पास यूनिटी होगी नेशन में एज वन जोग्रफिकल फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं द डिफेंस ऑफ इंडिया तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं देखो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि जोग्राफिकली इंडिया को क्या चीज है नेचर ही प्रोटेक्ट कर लेता है लाइक वहां पर मैनफोज की अपने आप में इतनी जरूरत नहीं है तो हिमालय इन नॉर्थ ऑफ इंडिया ठीक है नॉर्थ में आपके हिमालय हैं जो अपने आप में एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करते हैं डेजर्ट्स ऑन वेस्टर्न बॉर्डर अरेबियन सी इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ इंडिया साउथ इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट और प्लेन्स ऑफ पंजाब नेम द फॉलोइंग तो नाइट इंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन हु स्वैम अक्रॉस द इंडियन चैनल तो ये हैं आपके मेहर सेन फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी तो ये हैं आपके सैम मैनिकॉप यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यार पहले तो आपके वो थे क्या बोलते हैं करियप्पा ठीक है जो आपके करियप्पा सर हैं लेकिन जो फर्स्ट फील्ड मार्शल को जिनको उपाधि दी गई थी ना देवर श्याम मेनिक्शो और जो आपके सर के एम करियप्प्पा है उनको बाद में वो पोस्ट सम्मान के तौर पे दिया गया था तो जो श्याम मेनिक्शो सर है उनको वो चीज़ जीवित रहते मिल गई थी तो इसलिए फर्स्ट फील्ड मार्शल में इनका ही नाम आएगा हाउ मेनी पार्ट डज अ वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट एक वर्ड ऑफ कमांड में कितने भैया भाग होते हैं दो भाग होते हैं कॉशनरी, एग्जीक्यूटिव कॉशनरी आपका हो गया चेतावनी वाला पार्ट और एग्जीक्यूटिव हो गया जब आप एकदम कार्रवाई करते हो वो वाला पार्ट राइट डाउन द पेस इन मिनट देखो आपका ये भी आ जाता है कमांड वाला ठीक है और ये जो है ना पेसेस इन टाइम ये क्वेश्चन नंबर फोर फोर्टीन ये तो पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट कुछ ना तो कुछ आ ही जाता है इसमें से स्लो टाइम मार्च मतलब जो हम बोलते हैं धीरे चाल धीरे चाल में सेवेंटी कदम होते हैं एक मिनट में क्विक टाइम मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल तेज चल या स्टाइल मार्च उसमें वन हंड्रेड ट्वेंटी और डबल टाइम मार्च जिस डबल टाइम मार्च होती है ठीक है उसमें और तेज चलते हैं तो दैट इज़ वन एटी वन एटी स्टेप्स इन अ मिनट एम क्या है ड्रिल का भैया एकदम बेसिक है ठीक है यू शुड नो दिस सेंस ऑफ डिसिप्लिन ठीक है इनकलकेट करना एक बच्चे में इम्प्रूव करना बियरिंग स्मार्टनेस एंड अपीयरेंस एंड टर्न आउट सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना डेवलप करना वो क्वालिटी जिससे इमीडिएट और इम्पलिसिड ओबीडियंस आए एक बच्चे में ऑर्डर्स को लेकर फैक्टर क्या है जो आपका नेशनल इंडियन नेशनलिज्म की तरफ आपका ग्रोथ करते हैं तो आपका रिलीजन सोशल एंड कल्चरल रेनेसांस इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर तो अब देखा जाए तो ये सब जो चीज़ें हैं ना इन सब ने हमारा मॉडर्न इंडिया में जब इंडिया आप में आपका आजाद होने वाला था जो नाइनटीन वाला पार्ट था आपका तो उस टाइम पर इन चीज़ों ने बहुत आपका पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था तो इन चीज़ों को आप याद रख लेना रैंक आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कुछ लोग फॉर्म करते हैं साइड साइड खड़े होके। जो स्ट्रेंथ है गार्ड ऑफ ऑनर जो चढ़ती है आपको प्रेसिडेंट की उसमें 150 फिफ्टी होते हैं जो तीन रोज में खड़े होते हैं जनरल सल्यूट दिया जाता है मेजर जनरल की रैंक एंड अबव और इक्वे वैंक भी Uh, जो आपका नंबर ऑफ पर्सन है डिटेल्ड फॉर गार्ड माउंटिंग इन क्वार्टर गार्ड तो यहाँ पे गार्ड माउंटिंग या क्वार्टर गार्ड तो यहीं पे आपकी वही आ जाती है जो क्वार्टर गार्ड करते हैं यूजुअली तो दो प्लस छः संतरी और कमांडर uh, और छः बच्चे व्हाट पॉइंट मस्ट बी इन माइंड वाइल असेंबलिंग द राइफल पॉइंट टू बेसिकली पता है जो ये क्वेश्चन uh, बैंक है ना इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ना एक ब्रीफ है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक से वो सब उठा के करे हुए हैं तो यार मेरे हिसाब से इसको कर लेना एक बार पढ़ लेना मुझे सारे मतलब काफ़ी हद तक इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं क्वेश्चंस बोल्ट जो है बोल्ट हेड जो है ये फुली टाइट होना चाहिए बोल्ट हेड और जो गाइड रिब है और कॉकिंग पीस स्टील लग ये सब एक लाइन में होना चाहिए नंबर ऑफ बोल्ट को हमेशा टाली होने चाहिए राइफल से सेफ्टी कैच हमेशा ऑन होना चाहिए डिफाइन द फॉलोइंग ट्राजेक्ट्री ट्राजेक्ट्री आपका एक पैराबोलिक पाथ है जो बुलेट ट्रेस करती है उसकी फ्लाइट में लाइन ऑफ साइट इमेजनरी लाइन है जो आइज़ आपका फॉर्म करती है फायरर और पॉइंट ऑफ एम के बीच में थ्रू द साइट जैसे जब हम बोलते हैं ना कि अर्थ आपका ऑर्बिट में रोटेट करता है सन के अराउंड तो ऑर्बिट असल में तो प्रेजेंट नहीं होता एक हम इमेजिन करते हैं तो ऐसे ही जब हम लोग अपना एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं अपनी आँखों से और टारगेट के बीच में तो वो एक लाइन बन जाती है लाइन ऑफ साइट ये भी इमेजनरी है इसलिए इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं एंगल ऑफ़ डिसेंट जो एंगल फॉर्म होता है ट्राजेक्ट्री के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में बिफोर द बुलेट हिट द टारगेट तो उसको एंगल ऑफ डिसेंट कहेंगे फर्स्ट कैच है जब पॉइंट जहाँ पर बुलेट ने अपना टारगेट हिट किया फ़र्स्ट ग्रेज़ कहेंगे जो पॉइंट जहाँ पे बुलेट ने ग्राउंड uh, uh, को हिट किया पासिंग थ्रू द टारगेट अगला है एक्सपैंड द फॉलोइंग एम पी आई मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यार ऑलमोस्ट आता ही आता है ये सारे याद कर लेना दिस ऑल आर नियर टू नियर इंपॉर्टेंट एस एम सी है स्टीन मशीन कार्बाइन एल एम जी लाइट मशीन गन इसी में आपका एमएम जी मीडियम मशीन गन एच एम जी हाई मशीन गन ठीक है एस एल आर सेल्फ लोडिंग राइफल डी पी आपका ड्रिल प्रैक्टिस वो वाले डीपी नहीं जो हम इंस्टा पे और फेसबुक पे लगाते हैं अगला है आपका ग्रुप इन शूटिंग क्या है और मेथड क्या है और फाइंडिंग द एम जो पैटर्न बन जाता है तीन या तीन से ज़्यादा बुलेट्स का ठीक है जो एक सिंगल फायर और एक सिंगल टारगेट में फायर करता है सेम होल्ड मतलब सेम उसकी पोजीशन सेम उसकी बुलेट्स uh, मतलब ऑब्वियसली बुलेट अलग होंगी बट सेम उसकी जगह पे सेम वेदर कंडीशन सेम आर्म्स उसको ग्रुप कहते हैं मतलब एक नॉर्मल जगह पे वो खड़ा है उसने बस तीन या तीन से ज़्यादा बुलेट्स मारी हैं तो वो जो उसका एक छोटा सा एरिया बन जाएगा तीन बुलेट्स के बीच में या तीन से ज़्यादा उसको हम बोलेंगे एम तो इसके मेथड्स जो हैं सॉरी उसको उस उस एरिया को हम बोलेंगे ग्रुप उसी से ग्रुपिंग भी निकाली जाती है तो फिर इसके मेथड्स हैं आपका मेथड्स हैं ग्राफिकल मेथड, एक्सेस ऑफ डिपार्चर मेथड, कैलकुलेशन मेथड, ये मेथड है आपका एम कैलकुलेट करने के डिस्क्रिमिनरी फीलिंग्स ऑफ अ इंडिविजुअल अगेंस्ट अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इज नोन एज कम्यूनलिज्म कम्युनलिज्म वो होता है जब हम आपका रिज uh, रिलीजन uh, के तौर पे भेदभाव करते हैं कास्टिज्म कास्ट के तौर पे भेदभाव करना कोट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ऑन फोर्टीन जुलाई नाइनटीन फोर्टी टू आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन फिफ्टीन जनवरी हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है आपका परमवीर चक्र हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑनर है आपका भारत रत्न uh, फिर है आपका पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहते हैं अरेबियन सी आपका अरेबियन सी इज़ अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है इंडिया के नेहरू लिटरेसी अवार्ड को नेहरू लिटरेसी अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन में uh, जिस बंदे ने अडल्ट लिटरेसी के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया होता है काजीरंगा नेशनल पार्क को uh, आपका आसाम में लोकेटेड है इसी सॉन्ग को सर मुदगलिया ने लिखा था ये अच्छा क्वेश्चन है ये आपका हो सकता है वायवा में भी पूछा जाए मटेरियल्स uh, क्या है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग द पॉइंट टू टू पुल थ्रू वायर गौथ जो आपका टू पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव तक का होता है ऑयल फ्लानल फॉर क्लीनिंग ठीक है और ऑयलिंग इसकी मेजरमेंट्स भी लिख रखी हैं पढ़ लो पार्ट्स uh, uh, क्या है राइफल के जिनको स्ट्रिप करा जाता है और क्लीन किया जाता है बैरल बोल्ट बायनेट स्कैब स्कैबर्ड चैम्बर और मैगजीन वी कम टू द पॉइंट टू टू राइफल कैन फायर इफेक्टिवली अप टू थ्री हंड्रेड यार्ड्स बेसिक वेपन कोई भी इन्फेंट्री सोल्जर का सेवन पॉइंट टू एम एम एस एल आर था और अब वो हो गया है फाइव पॉइंट फाइव सिक्स एम एम राइफल मैगजीन कपैसिटी ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर इज ट्वेंटी राउंड मजल वेलोसिटी ऑफ सेवन पॉइंट टू एम एम एस एल आर इज ट्वेंटी सेवन फीट पर सेकेंड Fir the weight of LMG with bipod is 9.2 kg. Length of 0 0.22 deluxe rifle is a 43 inches. Effective range of 7.62 mm. Bolt action rifle is 275 meters. चिंदी साइज़ फॉर एस एम सी फॉर ऑयलिंग इज़ फोर इंटू टू मजल विलोसिटी ऑफ एस एल आर इज टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फीट पर सेकेंड बेसिक वेपन यूज बाय एन सी सी कैडेट फॉर फायरिंग इज पॉइंट टू टू और इफेक्टिव रेंज ऑफ पॉइंट इज ट्वेंटी राइट एनी टेन पार्टल कॉमन टू ऑल अच्छा टेन पार्टल आना ही आना चाहिए रियली इम्पॉर्टेंट बैरल, फोर साइड नॉ बायोनेट मैगजीन ट्रिगर एंड ट्रिगर गार्ड बैक साइड बट पिस्टन ग्रिप कॉकिंग हैंडल सेफ्टी कैच या फिर आपका चेंज लिवर बट बट से बट प्लेट भी है एक ठीक है बट के साथ बट प्लेट भी याद कर लेना वट आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ गुड शूटिंग तो गुड शूटिंग है आपका एच ए टी बोलते हैं ठीक है होल्डिंग एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन तो हैट एम पी आई क्या है एम पी आई इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाई ग्रुप ऑफ राउंड फायर्ड विद कंसिस्टेंट एम एंड हेल्ड एट द सेम एमिंग मार्क वेन द राइफल विल बी हाफ कॉक्ड

of more than one country at a time obviously अब एक uh, person एक दो दो तीन तीन country को एक साथ तो serve नहीं कर सकता ना एक ही country का वो loyal हो सकता है a good citizen is one who knows his his rights and duties customs help in developing the spirit the corpus and pride in one's service it is customary to salute The national flag, when it is being hosted or hauled down at the reveal and retreat. When the national anthem is being played, all will stand at attention i've saavdhan. Uh, dash are the symbolic of dash regiments. So, these colours are symbolic of a spirit of a regiment. Next, we come to it is a manner of honour that the regiment will not let their colours fall. All infantry regiments, with an exception of a rifle regiment, carry colors. The colors are awarded to a regiment by the president. What is the assistant du assistance during uh, required during, during the flood or yeah, cyclone? The flood cyclone warning, uh, shelter management, evacuation and rescue, first aid and medical san sanitation, relief, uh, Sarkas, dispose.

वो करके भैया मॉरल बूस्ट कर सकते हैं असिस्ट कर सकते हैं मेडिकल टीम में बाय प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड मैनेज कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेशन बाय डूइंग सिग्नल्स सप्लाई कर सकते हैं फूड राशन एक्सेट्रा गिव टाइप ऑफ सर्विसेज विच कैडेट्स कैन प्रोवाइड टू मेंटेन एसेंशियल सर्विसेज Operation of telephone exchange, traffic control, to give first aid and to help uh, the hospital staff. Maintain various records. Can it belong to ITI. Can provide skilled and hand help. How does uh, NC credit can help the local authority during national calamities such as earthquake, flood, etc. First aid, evacuation of casualty, food and cloth distribution, maintenance of electric line and communication, disposal of wounded and dead, uh, arrangement of shelter, maintenance of various. डेटा uh, देखो जो मुझे लग रहा है आसान है उसको मैं सिंपली आई एम स्ट्रीडिंग इट आउट जो मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग पी बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज ऐसे करने में एच आई वी इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है सेक्शुअल ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड से ब्लड मिल जाएगा तो शेयरिंग नीडल एंड सरेंजेस फॉर इंट्रा विरस ड्रग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो प्रेगनेंसी डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग तो मदर मदर टू चाइल्ड समझ गए होगे और नीडल्स एंड ऑल जैसे मानो एक को आपने नीडल से कोई आ, क्या बोलते हैं इंजेक्शन दे दिया उसी नीडल का यूज़ करके किसी और को दे दिया आपने देखा होगा जब भी आप कहीं जाते हो किसी भी पर्पज़ के लिए हॉस्पिटल में तो हमेशा फ़्रेश नीडल निकाली जाती है चाहे नीडल्स हमेशा फ़्रेश नीडल निकाली जाती है किसी को भी आ, वो करने के लिए भी सिटीजन को डिफाइन करो अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी जो अलिजियांस ओ करता है टू द स्टेट जो प्रोटेक्शन भी इंजॉय करता है और राइट्स इंजॉय करता है गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम सिटीज़न बोलते हैं मेन रीज़न क्या है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया भैया ओल्ड कस्टम एंड बिलीफ और चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड ठीक है कि कहते ना कि भगवान की uh, देन है बच्चे तो ये भी कह के फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस नहीं किया जाता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर डिटरमाइंड बाई गॉड की फिक्सड है नंबर और एवरी हिंदू मस्ट हैव अ सन मतलब लड़का होना चाहिए अगर लड़की है तो दे आर नॉट सेटिसफाइड विद द चिल्ड्रेन आर वेल्थ फिर है व्हाट डज़ द फैमिली वेलफेयर रेफर टू फैमिली वेलफेयर जो है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल या कपल से ताकि वो अनवॉन्टेड बर्थ को अवॉइड कर सकें और वो वॉन्टेड बर्ड वो चाहते हैं कि भैया बर्ड्स जब हो तो वो रिजल्ट मतलब आ सके और रेगुलेट कर सके इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी कंट्रोल कर सकें द टाइम व्हेन द बर्थ अकर्स और डिटरमाइन कर सके द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली वेलफेयर का प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ एडवाइज़ ऑन स्टरिलिटी एजुकेशन ऑफ पेरेंटहुड स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेरेंटल काउंसलिंग मैरिज काउंसलिंग प्रेगनेंसी टेस्ट सर्विस फॉर अडोप्शन सर्विस फॉर अनमेरिड मदर ठीक है अगला है कैसे इंश्योर किया जाए प्रॉपर पर्सनल हाइजीन सेवन टू एट आवर्स ऑफ स्लीप रेगुलर ब्रीदिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग केयर एंड क्लीनलेस ऑफ स्किन हैंड हेयर एंड टीथ एक्सरसाइज हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट रिस्क कैसे अवॉइड कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कोई रिस्क है क्या एच या एड्स इन्फेक्शन का अगर हम ब्लड डोनेट करें तो तो यहाँ पे बोला है ब्लड डोनेशन पे कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि आ... क्योंकि जो नीडल्स हैं और अदर इक्विपमेंट हैं ठीक है जिससे ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो सारे सेफ़ हैं अब जैसे आप चले गए एक ब्लड डोनेशन कैंप में वहाँ पे आपको भी ये ख़तरा होगा कि यार अगर किसी और का ब्लड निकाला जाए और मानो कोई और इन्फेक्टेड है और कहीं मुझे भी इन्फेक्शन हो गया तो है ना तो ये चीज़ें होती हैं लेकिन वो सेफ़ होता है एन सी सी कैडेट इस्टेब्लिश्ड कैसे करते हैं रैपर्ड फॉर गेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड वेलफेयर वर्क मतलब लोगों को कैसे मनाया जा सके और कैसे एक रैपर्ड बिल्ड कर सकते हैं एन सी सी कैड को यूनिट uh, को आइडेंटिफाई करना चाहिए एक विलेज जो इन्वायरमेंट में है प्रेफरेबली और जो यूनिट है उनको प्रॉब्लम स्टडी करनी चाहिए उस एरिया की पहले और उनको मोटिवेट करना चाहिए और मतलब फिर मोटिवेट होना चाहिए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को आ, लोग जो हैं उनको कन्वेंस्ड होना चाहिए कि जो ये का ये जो वर्क है ये काम करेगा वेरियस मेथड क्या है वाटर प्योरीफिकेशन बॉयलिंग एंड डिस्टलिंग पिकिंग फिल्ट्रेशन परसिपटेशन स्टेरलाइजेशन द टर्म हेल्थ हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि आपका डिजीज फ्री हो बॉडी लेकिन फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग well भी है तो ऊपर डिस्कस किया था ठीक है यही सब है ठीक है कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो सोर्सेस क्या है वाटर के वाटर कैसे प्योरीफाई हो रेन वाटर सरफेस वाटर अंडरग्राउंड वाटर मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन क्लारे क्लारिफिकेशन इससे सस्पेंडेड मैटर को रिमूव कर देना स्टेरिलइेशन क्लोरीन ऐड करके उसको साफ कर देना क्लारिफिकेशन के मेथड क्या है सेडिमेंटेशन सेटल कर देना लाइक केमिकल्स फिल्ट्रेशन है आपका फिल्टर स्टेरिलइेशन है बॉयलिंग या ब्लीचिंग पाउडर यूज करना टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ऑफ़ अल्थ ऑफ इंडिविजुअल तो ये है हाइजीन और सैनिटेशन अरेंजमेंट क्या है रिक्वायर टू मेंटेन सैनिटेशन कैंप सफिशेंट वाटर होना चाहिए गारबेज दूर होना चाहिए फूड साफ़ होना चाहिए जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए और जो आपका एरिया है कैंप का वो साफ़ होना चाहिए और जो लैट्रिन है जो वॉशरूम है आपका वो भी कैंप एरिया से दूर होना चाहिए जनरल रूल्स बताइए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्कैल्स तो ये हैं कि अवॉइड करिए उस टाइम पे ठीक है ज़्यादा अफेक्टेड एरिया दैन नेसेसरी लोशन मत लगाओ किसी भी तरीके का अपना दिमाग मत लगाओ वहाँ पे कि क्या करें क्या करें ठीक है बर्न क्लो जो आपका बर्न क्लोदिंग है जल गया है उसको मत करो और ब्लिस्टर्स भी वहाँ से मत हटाओ ठीक है जैसे उसको अपने आप से खच्चर बच्चर मत करो और बैंडेज कर दो टाइटली अगर कोई ब्लिस्टर्स नहीं है तो और कवर कर दो स्टेरिलाइज ड्रेसिंग से अगर पॉसिबल है तो अदरवाइज उसको साफ कपड़े से कवर कर दो क्या मेथड अडॉप्ट करोगे एज एन सी कैडेट अगर आपको इन्वायरमेंट या इकोलॉजी इंप्रूव करनी है अपने विलेज में तो ऑर्गेनिक मेन्यर यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिसाइकल करोगे सॉलिड वेस्ट ए फॉरेस्टेशन रिस्ट्रिक्ट करना वॉशिंग इन द नियर Wells promote gas cooking, pollution free vehicle, educate people, uh, purify water before use, sanitary land fillings, waste control through management, water harvesting, enforce laws on waste disposal. मेजर्स क्या है आपके टू बी टेकन फॉर कंट्रोल कंट्रोलिंग पोल्यूशन तो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए लोगों में ठीक है डेवलप करना चाहिए ताकि प्लांट ज़्यादा करें ट्रीज जिससे पोल्यूशन आपका कम हो सके लाउड हॉर्नस या मोटरसाइकिल ये सब चीज़ें जो एक्सट्रीमली लाउड नॉइज़ करते हैं इनको बंद कर देना चाहिए जो वाटर बॉडीज़ हैं ठीक है थीके? उनको वेस्ट जैसे की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए कि अपना कूड़ा कबाड़ डाला उसमें वो पानी की बॉडीज़ हैं भैया उसमें वेस्ट का वो एक कचरा घर नहीं है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड ताकि जो डर्टी वाटर है वो इन वाटर बॉडीज में ना जाए और अगर जाए भी तो प्रॉपर तरीके से uh, uh, क्या बोलते हैं उसको ट्रीट होकर जाए इन बॉडीज़ में uh, इन्वामेंट एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेसिव यूज़ ऑफ़ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड को अवॉइड करना चाहिए टाउन और सिटीज़ में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए डस्टबिनस का फैक्ट्री में जो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन है ये लेना चाहिए ताकि जो एक्सट्रीमली हजारडस चीज़ें हैं ठीक है थ्रू एयर या थ्रू वाटर या थ्रू लैंड ठीक है उसको ऐसे डिस्पोज ना करा जाए उसको ट्रीट करके फिर उसको कम मतलब हजारडस बना के फिर वॉश ऑफ किया जाए ओल्ड और पल्यूटिंग जो एमिटिंग व्हीकल है उसको बैन कर दिया जाए और जो पल्यूशन कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके पास इंडिपेंडेंट पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकें पिक पॉकेटिंग हुगैनिज़म और थीफ और रॉबरी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अवॉइड करिए ट्रैवलिंग इन क्राउडेड प्लेसेस और कम कैश और वैल्यूबल्स लेकर चलो ठीक है इंडल्ज ना इन चीजों में अगर कैडेट्स को दिखे ऐसी चीजें ऐसी जो चीजें घट है, रही हैं स्मॉल एरिया है ठीक है तो मतलब छोटा एरिया है कम लोग हैं तो वहाँ पे थोड़ा पीसफुल तरीके से उसको निपटाने की कोशिश करो अगर आपको लगे कि भैया जो सिचुएशन है ये अपने संभल के बाहर है तो कैडेट्स को आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या लॉ एंड ऑर्डर वाली जगह पे जाके उसको रिपोर्ट करना चाहिए कैडेट्स को इंश्योर करना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट और रिपोर्ट करना चाहिए कोई भी इंसिडेंट टू लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी अथौर कैडेट्स को एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स अपने नेबरहुड में टू एटलीस्ट ना हों तो so, मैनेज uh, कैसे किया जाए और प्रोटेक्ट कैसे किया जाए वाइल्ड लाइफ इन इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड कंट्रोल ऑफ एक्सप्लाइटेशन मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लाइक पार्क सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर प्लांट एंड एनिमल एनकरेज करना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्प्रेड करना जनरल अवेयरनेस अमंग द मासेज फर्स्ट एड क्या है इक्विपमेंट क्या है प्रेजेंट इन द फर्स्ट एड किट तो स्टेरेलाइज गॉज ड्रेसिंग वन रोल एडेसिव टेप आइज बैग सनबर्न लोशन पेयर सीजर ओरल थर्मामीटर ट्राइंगुलर बैंडेज टू रोल ऑफ बैंडेज अ रोल ऑफ एब्जो एब्जॉर्बेंट कॉटन माइल्ड एंटीसेप्टिक क्लोव ऑयल वन पैक नीडल आयोडीन बॉटल और tincture, स्नेक बाइट किट वट वेरियस अनटोल्ड इंसिडेंट्स प्लॉगिंग द सोसाइटी विच मस्ट बी प्रोवेंटेड बाई द कैडेट्स देखो आप ना अगर इसको एक रीडिंग भी लगा लोगे अकॉर्डिंग टू मी एक रीडिंग लगा लोगे इसको आप थोड़ा समझ जाओगे है ना एक इसका एक थोड़ा इसका एक बेसिक समरी टाइप्स तो आप इसको लिखकर आ जाओगे थोड़ा अपनी लैंग्वेज में तो इसलिए आई वुड से कि इसको ना थोड़ा पढ़ लेना एक बार जाने से पहले तो आई थिंक थोड़ा हेल्प हो जाएगी तो ये इंसिडेंट्स हैं आपका पिक पॉकेटिंग ठीक है थेफ्ट एंड रॉबरी ठीक है और ये ईव टीजिंग मलिस्टेशन सेक्शुअल हेरसमेंट स्मोकिंग एंड अल्कोहलिजम रोड एक्सीडेंट्स को कैसे टाला जाए अगला है वॉक केयरफुली ऑन द रोड्स सारे रोड एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए ध्यानपूर्वक चलो भैया रोड में सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करो सारे सिग्नल्स और इनको ध्यान में रखो जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में फटाफट रोड को पार मत करो ओवर स्पीड मत करो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ना करो ठीक है जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करो जब कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है दोनों साइड्स देखो और तब जाके क्रॉस करो बच्चों का हाथ पकड़ो और तब जाके रोड क्रॉस करो चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट द रोड सेफ्टी रूल्स हाउ टू डिस्करेज टीजिंग मोलिटेशन एंड सेक्शुअल हेरसमेंट पीपल को मॉरल वैल्यू सिखाई जानी चाहिए राइट फ्रॉम द यंग एज दे मस्ट बी लर्न टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑपोजिट सेक्स वुमेन शुड ड्रेस्ड अप एलिगेंटली सो दे डोंट अट्रैक्ट इन डिसेंट रिमार्क्स अ गर्ल्स शुड अवॉइड ट्रैवलिंग अ लोन एंड डार्कनेस वॉक वर्क टूगेदर विद द अपोजिट सेक्स इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट ई चीजिंग एंड मॉलिस्टेशन एंड सेक्शुअल हेरासमेंट आर क्रिमिनल अफेंसेज हाउ टू डिस्करेज ड्रग्स स्मोकिंग एंड अल्कोहलिजम ठीक है एक को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और uh, फ्रेंड्स को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए बस वन शुड अंडरस्टैंड दैट ड्रग एडिक्शन स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म ये हेल्थ हाजर्ट हैं और भैया आप मारे जा सकते हो इससे पॉजिटिव लाइक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग और एक को ये सोचना चाहिए कि यार आ, सेलिंग ड्रग्स या इंक्रेज करना लोगों को ड्रग्स ख़रीदने में तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा वो मिल सकती है लाइक like लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर तो ये उनको बताना ऑब्जेक्ट ऑफ पोस्चर ट्रेनिंग क्या है एनसीड्स के, के लिए तो ये पर्सनालिटी इनकी बिल्ड करती है उनका फिजिक अच्छा करती है उनका करेक्ट पोस्चर बताती है सेल्फ रिलायंट बनाती है उनको और कॉर्डिनेट करती है बॉडीली मूवमेंट्स वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज होता है डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट कुछ फॉर्म बताइए ऑफ़ अटैक इन सेल्फ डिफेंस नेम सम फॉर्म ऑफ अटैक एंड सेल्फ डिफेंस चिन जैब नी ब्लो किक फुल नेल्सन रिस्ट लॉक स्ट्रांगल होल्ड हाउ टू अटेन द करेक्ट पॉस्चर सफिशियंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड टोन ऑफ अपोजिंग द मसल ग्रुप्स ठीक है कहने का मतलब ये कि टीन एज में जैसे आप लोगों का बहुत मन करता है ना कर्व करके बैठने का ठीक है लेकिन इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अपनी बॉडी को थोड़ा सीधा करके बैठू और फिर एक थोड़ा वंस यू क्रॉस द टीन एज लाइक एटीन नाइनटीन वंस यू कम इन द ट्वेंटीज़ तो उस टाइम तक देन यू गेट द हैबिट ऑफ सिटिंग स्ट्रेट एडिकुएट ऑर्गेनिक विगर होना चाहिए बॉडी में ठीक है और आपका बॉडी वो होनी चाहिए फ्री फ्राम एन इन्फेक्शन डिजीज़ सफिशियंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल्स टू परमेट द करेक्ट बॉडी पोस्चर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए करेक्ट बॉडी पॉस्चर क्या है ठीक है और उसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड एक्सटर्नल कंडीशंस है आपका चेयर जो है वो बॉडी को फिट होनी चाहिए और द एक्सटर्नल मैकेनिज्म शुड बी कंड्यूसिव ठीक है टू द करेक्ट बॉडी पॉश्यो वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंट क्या है ह्यूमन बॉडी में बॉल एंड सॉकेट कैन डिलॉयड हिंज पाईवॉट और इरेग्युलर कॉजेस क्या है बैड पोस्चर के लैक ऑफ नरिशमेंट ड्यू टू मसल एंड ऑर्गेनिक डिफीस फटीक ड्यू टू ओवरवर्क ड्यू टू इलनेस एंड इन्फेक्शन ड्यू टू बैड हैबिट्स ड्यू टू पुअर हाइजीन what are the various uh, causes of incorrect walking fatigue poor health uh, disturbed state of mind lack of knowledge of correct way of walking describe at the standing exercise for walking uh, and standing correct stand with b back against the wall stretch up tall uh, relax and repeat Contract. contact the abdominal muscle and place the pelvic under the abdomen डिस्क्राइब द वॉकिंग एक्सरसाइज फॉर द करेक्ट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग वॉक ऑन टोज विद हैंड स्ट्रेच्ड अपराइट विदाउट लेटिंग द बॉडी स्लम्ब अरे आपने वो सुना है ताड़ आसन लाइक सीधा खड़े होकर अपने हाथों को इंटरलॉक करके खींच दे एकदम बॉडी को एकदम ऊपर की तरफ खींचना तो वही बोल रहे हैं ऐसे करके टोज में वॉक करना लोअर द हील एंड हैंड्स ग्रेजुअली इंश्योर दैट ट्रंक एंड हैड आर इन द फुली एक्सटेंडेड पोजिशन वाइल वॉकिंग डिस्क्राइब द करेक्ट वॉकिंग Heel in contact with the ground first. Weight of body transfer to the ball of the feet. Uh, toes used in definite push of action at every step. Legs swinging forward and parallel. Feet swinging forward and parallel. Relaxed arm swing. Good body alignment. Name some type of throws in self defense right hip throw, ankle and shoulder throw, over throw, uh, rugby tackle, reserve hip throw, arm throw describe the correct standing exercise for strengthening of lower back back lying knee pull to chest and held roll forward and backward from side to side repeat uh, describe the exercise standing with the hands on hip for developing the balance and uh, muscle strength raise the heel bend the knee keeping the trunk straight ट्रंक ट्रंक है यहाँ पे आपकी जो बॉडी का मेन गुड़ता चिट्टा है ठीक है जैसे आपके हाथ हो गए हाथों को छोड़ के बाकी जितनी भी बॉडी है आपकी वो ट्रंक है स्ट्रेच करो स्टैंड करो लोअर द हील्स एंड रिपीट हाइएस्ट रैंक या इंडियन आर्मी में नेम टू ऑफिसर टू सिक्योर इट गुड नाइस क्वेश्चन हाइएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी इज फील्ड मार्शल दो ऑफिसर्स जिन्होंने इसको अभी तक सिक्योर uh, करा है दे आर जनरल सामानिक शो जनरल के एम करियप्पा वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लोकेटेड न्यू दिल्ली एनसीसी हेड क्वार्टर्स भी आपके न्यू दिल्ली में ही है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एटम बॉम्ब यूज्ड तो ये आपका अमेरिका ने यूज किया था अगेंस्ट अ जापान ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर पहला अटैक हुआ था हिरोशिमा में ऑन 6 अगस्त 1945 सेकंड अटैक हुआ था नागासाकी में ऑन

Uh, तो इंडिया ने पहला बॉम्ब एक्सप्लोड किया था ऑन 18 मे 1974 सेवेंटी एट पोखरान इन राजस्थान इंडिया ने टेस्ट किया था द न्यूक्लियर डिवाइस फॉर द सेकेंड टाइम ऑन मे 11 एंड मे 13 1998 अगेन एट अगेन पोखरन तो पहला हो गया आपका 1974 में बाकी दो हैं आपके नीचे लिख रखी हैं डेट पहला याद कर लेना ठीक है अगला दो आपकी मर्ज़ी है याद कर सको तो कर लो और uh, बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है इसमें आपका क्या होता है इसमें आपका इसमें कोई आपकी वेपन एंड ऑल यूज़ नहीं होते यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस या डिजीज़ जर्म्स ये सब यूज़ किए जाते हैं आपका डैमेज डिसेबिलिटी ठीक है और डेथ और आ, ये सब चीज़ें फैलाने के लिए ऑन द अदर साइड एन साइड पे एन बी सी वॉरफेयर क्या है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन यहाँ पे एन नहीं है ठीक है रिमेंबर द वर्ड्स नो मैन लैंड क्या है ये एक कॉमन लैंड है बिटवीन द एल ऑफ टू कंट्री इसका मतलब है इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तो जो एकदम बॉर्डर एरिया है ना तो वा वो वाला लैंड किसी का नहीं है ना वो इंडिया का है ना वो पाकिस्तान का है तो वो नो मैंस लैंड है ठीक है जहाँ पर कोई कंट्री का कोई अधिकार नहीं है उस पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है ताकि र्यूमर्स फैलाए जाए एनिमीज के बारे में ताकि पैनिक हो जाए ठीक है उनका मॉरल कम हो जाए उनका डिसिप्लिन तोड़ सकें ठीक है उनका जो मॉरल स्ट्रेंथ है मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको तोड़ा जा सके एनसीसी को स्टार्ट स्टार्टअप किया गया था इन इंडिया तो 16 जुलाई 1948 एनसीसी का मोटो क्या है यूनिटी एंड डिसिप्लिन एम्स क्या है एनसीसी के टू डेवलप क्या कमरेडरशिप कमरेडरशिप मतलब भाईचारा डिसिप्लिन लीडरशिप सेक्युलर आउटलुक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्समैनशिप आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस मतलब कि समाज की सेवा करना कोई अपना स्वार्थ भाव ना रखते हुए अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री ह्यूमन रिसोर्स बनाना ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेन एंड मोटिवेटेड यूथ ताकि वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके वो किसी भी लाइन uh, में आगे जाए किसी भी करियर में जाए जरूरी नहीं है इंडियन आर्मी में ही आगे जाए सूटेबल इन्वायरमेंट बनाना ताकि मोटिवेट uh, कर सके यूथ को ताकि वो एक अच्छा करियर ले इन आर्म्ड फोर्सेज प्रायोरिटाइज़ कैसे किया जाए कैजुअली फॉर कैजुअलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट अब लेट्सिंग कि एक जगह कोई अटैक हो जाता है कैजुअलिटीज हैं भैया बहुत सारी कैजुअलिटीज हैं बहुत सारी ठीक है लेट्स दो सौ कैजुअलिटीज़ हैं अब हॉस्पिटल वहां पे एक या दो हैं कम डॉक्टर्स हैं तो पहली प्रायोरिटी पे वो बंदे होंगे जो बहुत जिनकी कंडीशन सीरियस है और जिनको अर्जेंट सर्जरी है अगले पे वो होंगे ठीक है जिनकी कंडीशन थोड़ी बेटर है ठीक है लेकिन बीच के हैं थर्ड पर वो होंगे जिनको कम चोट लगी है थोड़ा माइनर ट्रीटमेंट है जो रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए उनको बारी बारी पर डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा बैलेंस पोजिशन बताइए वाइल्ड स्टैंडिंग यहाँ पे अटेंशन पोजिशन या सावधान को डिस्क्राइब करने के लिए कहा तो ये तो आप कर ही लोगे सावधान को डिस्क्राइब है ना एक बार पढ़ लेना स्टिल जैसे सावधान में खड़े होते हैं उस पोजिशन को लिख देना नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजूनेशन इसको भी एक बार पढ़ लेना सॉवरिटी मतलब कि एक देश की अपने डिसीजनज लेने की क्षमता अब जैसे जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तो जो फॉरेन अफेयर्स थे वो ब्रिटिशर्स लेते थे इंडिया के बेसिस पे तो सॉवरनिटी उसी को कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि कितना एरिया हमारा है कहाँ पे हम लोग हैं ठीक है कितना एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये सब है अपना तो ये हमारा होगा ठीक है ऑब्वियसली और पीस एंड हार्मनी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इराडिकेट कर देना हटा देना ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी लाइक कोशिश तो कर रहे हैं है ना इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ अट्रैक्ट करना फॉरन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड कल्चर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ नेशन वेलफेयर एंड वेल वेलबींग ऑफ ऑफ पीपल फॉरन रिलेशन और बेटर स्टैंडिंग अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड एक मैप को कब कहा जाता है कि वो सेट है ठीक है उसको तब कहा जाता है कि जब आ, सेट तब माना जाता है जब वो आपका करस्पॉन्ड करता है डायरेक्टली विद द ग्राउंड जब ट्रू नॉर्थ मैप पे जो इंडिकेट कर रहा है वो एक्चुअल में ग्राउंड के ट्रू नॉर्थ पे आ, सिंक करता है सिंक्रोनाइज़ करता है ग्राउंड को कब अप्रिशिएट किया जाता है अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। फायर पोजिशन कवर फ्रॉम फायर ऑब्स्टिकल ऑब्जर्वेशन पोजिशन कवर फ्रॉम व्यू कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड में हम कब शेल्टर ले सकते हैं या ग्राउंड में कब हमको जरूरत पड़ती है या समथिंग ऐसे करके फिर है इफ़ेक्टिव सिग्नल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस फोर्सेस तो यहाँ पर यह सिग्नल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये देखो ये सिर्फ नेवी का नहीं होता हर एक उसका ना ऑलमोस्ट भैया अपना अपना हिसाब वो रख के चलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन डिप्लॉयड ट्रूप और कमांडर कन्वे करना डिटेल ऑफ़ एनिमी ट्रूप और उनकी एक्टिविटी चेंज करना मोड ऑफ़ बैटल एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करना इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन को बैटल में कन्वे करना स्पेसिफिक ऑर्डर इन ट्रेन एंड स्नो बाउंड एरिया फिर है इफ़ेक्टिव ऑपरेशनल चेंजेस के लिए बैटलफील्ड में अक्वायर करना और डिसाइफर करना इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द आर्मी प्रिपेयर करना ट्रूप फॉर फर्दर ऑपरेशनल एक्टिविटी असेस करना ग्राउंड लेवल इफेक्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी इम्प्रूव करना इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बैटलफील्ड में और सिक्योर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन uh, uh, वो करना कैरी uh, आउट करना प्रिकॉशन और प्राइवेसी के साथ कम्युनिकेशन uh, अच्छा करना और जो आपका फूड uh, का सप्लाई है और इवैक्यूएशन है कैजुअलिटीज़ का उसका भी थोड़ा सप्लाई सही करना कैलिबर बताओ पॉइंट सेवन पॉइंट सिक्स टू एम का तो भैया नाम ही इसका कैलिबर है तो सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम इज़ द वेट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर फाइव पॉइंट वन के जी इसी राइफल का इफेक्टिव रेंज टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव मीटर इसके राउंड्स हैं है ट्वेंटी राउंड्स और इसका फुल नेम है सेवन पॉइंट सिक्स टू एम सेल्फ लोडिंग राइफल एस है ये कितने राउंड्स फायर कर सकता है पर मिनट फाइव राउंड इसका क्लीनिंग मटेरियल क्या है पुल थ्रू कॉम्बिनेशन टूल सिलेंड्रिकल चैम्बर क्लिनिंग ब्रश ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब ऑयल बॉटल गैस रेगुलेट की ड्राइवर चिंदी राइफल क्लीनिंग ब्रश पोजीशन क्या है ट्रिगर uh, की एट रेडी पोजीशन तो ये आर पे इसको रेडी कहा जाता है काइंड uh, क्या है फायरिंग का ठीक है विच इज़ डन बाय राइफल सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर डेलीबरेट स्नैप शूटिंग रैपिड फायर तीन टाइप की फायरिंग कर सकता है आपका ये वाली राइफल फुल फॉर्म फुल नेम क्या है ठीक है आपका ये राइफल का ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू द फुल नेम्स Rifle uh, 5.56 mm Indian. स्मॉल आर्म सिस्टम कैलिबर क्या है एज आई टोल्ड यू कैलिबर ही आपका नाम है तो सेम जो आपका नाम है वही उसका कैलिबर है वेट है इसका आपका थ्री पॉइंट सिक्स के जीज अभी हम फाइव पॉइंट फाइव सिक्स mm एम एम राइफल की बात कर रहे हैं ठीक है उसी बारे में चर्चा है सारी फोर हंड्रेड मीटर इसका इफेक्टिव रेंज है नॉर्मल रेट ऑफ फायर है इसका सिक्स राउंड पर मिनट ठीक है थ्री राउंड बर्स्ट कर सकता है ये आपका नाइन राउंड पर मिनट इंटेंस वन हंड्रेड फिफ्टी राउंड पर मिनट साइकिल सिक्स हंड्रेड टू सिक्स फिफ्टी राउंड पर मिनट फुल नेम क्या है सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एल एम जी का ऊपर एस एल आर वाला था ठीक है लाइट मशीन गन इफेक्टिव रेंज क्या है भैया बाईपॉड पे फाइव हंड्रेड ट्राई 1000 थाउजेंड रेट ऑफ फायर क्या है इसका तो ट्वेंटी एट राउंड पर मिनट रैपिड पे वन हंड्रेड ट्वेल्व राउंड पर मिनट साइक्लिक पे फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड राउंड पर मिनट कितने राउंड को लोड किया जा सकता है इन मैगजीन थर्टी राउंड ये आपका गैस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पोजिशन हैं इसकी लेवर चेंज करने की थ्री क्या लेबर है एटी फोर रॉकेट लॉन्चर का एटी फोर एम एम वेट क्या है रॉकेट लॉन्चर एटी फोर एम एम का तो वन सिक्सटीन पॉइंट वन ज़ीरो जीरो के जी कितने टाइप की एम्यूनेशन फायर कर सकता है ये सिक्स कितने टाइप के एम्यूनेशन फायर कर सकता है एटी वन एम एम मोटर थ्री किलिंग एरिया क्या है हैंड ग्रेनेड नंबर थर्टी सिक्स का एट मीटर रेडियस तक कितने सेकेंड फ्यूज़ हैंड ग्रेनेड नंबर थर्टी सिक्स का फोर सेकेंड चार सेकेंड में फस व्हाट इज़ द रेट ऑफ फायर ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स टू एम नॉर्मल में हंड्रेड रैपिड में टू हंड्रेड साइकिल में सिक्स टू थाउजेंड पर मिनट डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूथ नेशन बिल्डिंग यूथ बैकबोन है होप फॉर द फ्यूचर है भैया पोटेंट टूल है नेशनल इंटीग्रेशन के और हमारी डेस्टिनी भी यही शेप कर सकते हैं यूथ आपका लीडिंग रोल है ठीक है जो आपका uh, आगे चलकर अलग अलग कल्चर रिलीजन इन सबको आगे भी ला सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके यूथ अभी किस चीज़ को लेकर मोटिवेटेड है ठीक है तो इसलिए हमेशा यूथ को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अपनी कंट्री को लेकर ठीक है और हमेशा एक अपनी कंट्री की तरफ एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना रखनी चाहिए कैंप्स कौन से कौन से हैं एनुअल एनुअल ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंट्रली कैंप्स में आपका वही आ जाता है सी uh, ए ठीक है और ए कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स फिर सेंट्रली ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग कैंप्स है इसमें है आपका जो मेन बड़े बड़े कैंप्स लगते हैं ना जिन्हें हम बोलते हैं ये हैं आपके लीडरशिप कैंप सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप लीडरशिप कैंप हैं इसमें एडवांस लीडरशिप बेसिक लीडरशिप थल सैनिक वायु सैनिक, नौसैनिक, रॉक क्लाइंबिंग कैंप नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और आपका रिपब्लिक डे कैंप और प्राइम मिनिस्टर्स रैली रेलिवेंस क्या है इन एनसीसी का इन यूनिफाइंग इंडिया एंड वट आर द इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी भैया ये कर लेना फिर है नेशनल एन जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग्स द यूथ अबाउट द नेशनल डाइवर्स हेरिटेज ऑफ आर कंट्री फॉस्टर करता है नेशनल इंटीग्रेशन को आ, वही बात है अल्टीमेटली कि यार हालांकि इतनी ज़्यादा हमारे कंट्री में डिस्पैरिटीज़ हैं ठीक है जैसे लिंग्विस्टिक कल्चरल रिलीजियस जोग्राफिकल स्टिल ये आपका नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ मोटिवेट करता है कोऑपरेट करने के लिए कहता है और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एथिक और सोशल वैल्यूज़ डिसिप्लिन और पेट्रियाटिज़म पेट्रियाज पेट्रियाटिज़्म होता है अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नेशनल इंटीग्रेशन क्या है मेथड क्या है मेथड क्या है कि जो दिक्कतें आ रही हैं इसके बीच उन दिक्कतों को हटाने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन में तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो क्रिएट करती है स्ट्रेंथन करती है नेशनल यूनिटी की फीलिंग को जो मैथर्ड हैं जिनको जिनको हिंडरेंसिस को हम रिमूव कर सकते हैं तो वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इनको इम्प्रूव किया जाए स्टूडेंट्स को बताया जाए सेक्युलरिज्म टॉलरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इलिटरेसी को इराडिकेट uh, किया जाए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ uh, जो हैं वो रिलीजन के आधार पे अपनी पार्टी फॉर्म ना करें एवरी सिटीज़न को uh, सिखाया जाए कि वो नेशनल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करें नेशनल फ्लैग नेशनल सॉन्ग और नेशनल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें नेबरहुड को क्लीन और ब्यूटिफुल रखें डिटेल बताओ गार्ड ऑफ ऑनर करके जाना भैया वन की रैंक फाइल बनती है प्रेजिडेंट की ठीक है थ्री इक्वल डिवीजन में बच्चे खड़े होते हैं 150 की बनती है प्रेजिडेंट के लिए ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और हंड्रेड की बनती है आपका वाइस प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और हो गवर्नर ये वो बस हंड्रेड की आ, किसी के लिए भी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही हो और वन फिफ्टी की सिर्फ प्रेजिडेंट के लिए वेरियस फैक्टर्स क्या हैं दैट अफेक्ट द यूनिटी एंड डिसप्लिन इन एन सी सी इंडिविजुअल्स ओन स्टेट ऑफ माइंड एम्बिशन सेल्फ रिस्पेक्ट स्कूल एंड कॉलेज एटमोसफियर एनसीसी का कॉय का या बटालियन का एटमोसफियर लेस एम्फोसिस ऑन एन सी सी बाय इंस्टीट्यूशन या पेरेंट्स कॉय का कमांडर या सीनियर का एटीट्यूड यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पियर प्रेशर स्टेट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम वट इज लाइकली टू बी द इंपैक्ट ऑफ अर्थक्विक तो लॉस ऑफ लाइफ इंजरी डैमेज टू द डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ठीक है इंक्लूडिंग द क्रॉप्स मतलब खाने पीने का सामान है उसमें भी uh, मतलब उसमें भी डैमेज होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोडक्शन लाइफ स्टाइल लाइवलीहुड ठीक है एसेंशियल सर्विसेज डैमेज टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रप्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट भैया ये तो होता ही है मेंटली बहुत इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का डिफाइन द मेजर जॉइंट लोकेशन एंड डायरेक्शन भैया ये जॉइंट्स uh, मैंने देखे हैं ये ना ये जो चंद क्वेश्चन ना पांच टाइप के ये ना बार बार पूछते हैं ये लोग या फिर यही पूछते हैं इनके अलावा ज़्यादातर मैंने देखा है नहीं पूछते तो इसको आप एक बार पढ़ लेना अगर आपको लग रहा है कि यार आई शुड रीड इट तो ये वाला पढ़ लेना ये जो डायग्राम है इसमें सब कुछ गिवन है अगला है आप यूथ कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअली फॉर नेशन बिल्डिंग तो यही क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर आई गेस इसको आप एक बार पढ़ लेना अभी ऊपर हम लोगों ने बताया था तो एक बार पढ़ लेना वही सब है थोड़ा बस एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है राइट टर्न ऑन वट डिग्री एंड विच फुट ठीक है तो 90 डिग्री भैया आप घूमते हो और लेफ़्ट फुट में दी जाती है रिमेंबर uh, रखना ठीक है अगर मैं थोड़ा बोलूं नेवी के बच्चों के लिए तो कि आप uh, कॉमन सब्जेक्ट में आएगा तो आप आर्मी ड्रिल लिखेंगे और अगर आपका स्पेसिफिक या नेवी के सब्जेक्ट में आएगा तो आपकी जो नेवी ड्रिल होती है उस पर जो क्वेश्चन uh, हैं आप वो लिखोगे अबाउट टर्न कौन से डिग्री पे दी जाती है विच फुट 180 डिग्री लेफ्ट फुट पे दी जाती है लेफ्ट टर्न 90 डिग्री पे दी जाती है राइट right फुट पे दी जाती है तीन टाइप के सल्यूट हैं सल्यू टू द फ्रंट सल्यूट टू द राइट सल्यू टू द लेफ्ट सल्यूट टू द फ्रंट लेफ्ट फुट पे दी जाती है सल्यूट टू द राइट आपको लेफ्ट फुट पे दी जाती है सल्यूट टू द फ्रंट राइट हैंड से दी जाती है इनफैक्ट सारे सल्यूट ही राइट right हैंड से लगते हैं चाहे बाहें सल्यूट होगा ना uh, तो तब भी आपका राइट right हैंड से ही लगेगा 120 स्टेप्स होते हैं पर मिनट इन नॉर्मल मार्च स्लो मार्च में 70 क्विक मार्च में जो फर्स्ट स्टेप है ठीक है वो आपका होता है थर्टी इंच का फिर है आपका ये जो है ना इंच विंच ये भी आ जाता है कभी कभार कौन है एलिजिबल ऑफ सल्यूट नायब सूबेदार एंड अबव रैंक के और लोग वो सब एलिजिबल हैं एलिजिबल कौन है नेशनल सल्यूट के प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट एलिजिबल कौन है जनरल सल्यूट के मेजर जनरल एंड अबव रैंक्स कोई भी ऐसे फैक्टर लिखिए दैट मेक थिंग्स विजिबल शेप शाइन शाडो मूवमेंट वेरियस टाइप ऑफ पेट्रोल क्या है रीस पेट्रो प्रोटेक्टिव पेट्रोल टाइप ऑफ सेक्शन सिंगल फाइल एरोमंडस्टेंडेड लाइन फॉर्मेशन जैसे कि हम कहते हैं ना आपने कभी देखा होगा कोई आ, हिस्ट्री में राजा महाराजा युद्ध लड़ते हैं या वो तो कहते हैं ना कि हम अपनी सेना को किस तरीके से फॉर्म करेंगे डायमंड शेप में स्पियर शेप में तो ऐसे करके तो उसी को भाई आप थोड़ा अलग तरीके से आप करा जाता है लेकिन स्टिल सेक्शन ऐसे ही फॉर्म होते हैं शुरू हो वेरियस टाइप ऑफ ग्राउंड क्या है ब्रोकन ओपन हाई डेड एंड लो ग्राउंड बाय वट आर द मेथड ऑफ कन्वेइंग सिग्नल हैंड राइफल एंड विसल सिग्नल स्काउट क्या है स्काउट आइज एंड ईयर है ऑफ अ सेक्शन ये वो लोग हैं जिनको आगे भेजा जाता है ऑफ अ सेक्शन टू गैदर इन्फॉर्मेशन वेरियस ग्रुप क्या हैं इन्फेंट्री सेक्शन में तो राइफल और ब्रेन ग्रुप किस ईयर में ये सारे आ, जो चीज़ें हैं ये आपकी हुई थी इवेंट्स हुए थे इंडो चाइना वॉर आपका 1962 इंडो पाकिस्तान वॉर वन सब वॉर वन तो ये आपका 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर टू ये आपका 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वाली है ये कारगिल वॉर नाइनटीन तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है आई नो थोड़ी लंबी वीडियो थी लेकिन जो क्वेश्चंस है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लिटरली कॉमन सब्जेक्ट को ना छान के क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा तो मुझे लगता है आप कॉमन सब्जेक्ट को थोड़ा कवर अच्छे से कर पाओगे और स्पेशली वो लोग जो लोग एकदम एंड टाइम है एंड मिनटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना बुक नहीं पढ़ी है कॉमन की और वो एंड टाइम में ही थोड़ा सोच रहे थे कि पढ़ लें तो उनको वो लोग ये ज़रूर कर लें तो इनसे ना उनका ऑलमोस्ट काफी हद तक कवर हो जाएगा कॉमन तो एज आई टोल्ड द अस ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन की भावना पैदा करना अगला है इंप्रूव बियरिंग ड्रेस पहनना चलना फिरना सीखना जैसे ड्रेस में आपका टर्न आउट क्या होता है कैसे आप चलते फिरते हैं एक जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो चीज़ अगला है स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्नआउट मिलजुल के कार्य करना और आदेश मानने की आदत डालना अगला है टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस फूर्ति और आत्मबल का विकास डेवलप करना इमीडिएट एंड एम्प्लिसट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स ठीक है वही है कि ऑर्डर्स मानना और स्मार्टनेस होनी चाहिए अप्योरेंस में और टर्नआउट में अगला है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ड्रिल करने से पहले तो सबसे पहला है आपका ड्रेस शुड बी वॉश्ड एंड प्रॉपरली प्रेस्ड ड्रेस को धोकर ठीक से प्रेस करना चाहिए प्रॉपर क्रीज़ आनी चाहिए प्रेस की ये नहीं कि दो तीन क्रीज़ें निकल रही हैं ऑल द बटन ऑफ ड्रेस शुड बी स्टिच्ड पोशाक के सभी बटन सिले हुए होने चाहिए ड्रेस शुड ना इधर भी लूज नॉट टाइट ओब्वियसली ड्रेस आपकी फ़िटिंग की होनी चाहिए ना टाइट ना लूज लूज़ होगी तो अच्छा टर्न आउट नहीं आएगा ज़्यादा टाइट होगी तो आप ड्रिल नहीं कर पाएंगे ड्रेस ना तो ढीली होनी चाहिए ना ही टाइट होनी चाहिए शूज़ अच्छे से पॉलिश होने चाहिए शू लेस को अच्छे से बांधना चाहिए बेल्ट पॉलिश होनी चाहिए एंड इट्स ब्रास पार्ट शुड बी क्लीनड विद अ ब्रासो ओके अच्छा यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रास जो आपकी बेल्ट का आगे का पार्ट होता है ना जो शाइन करता है उसको ब्रासू से क्लीन करना चाहिए और बेल्ट ज़्यादा लूज नहीं ज़्यादा टाइट नहीं तो जूतों को पॉलिश किया होना चाहिए और जूतों के फीते ठीक तरीके से बदे होने चाहिए ड्रेस से पहले दाढ़ी की शेविंग की जानी चाहिए अच्छा शेविंग ऑफ बियर्ड प्रायर टू ड्रिल शुड बी डन कैप शुड बी पुट प्रॉपरली ऑन द हेड सही से आपकी बारें सर पे होनी चाहिए हाउ मेनी पार्ट डज अ वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट ऑफ एंड वट आर दे तो आपका जो वर्ड ऑफ कमांड है या जो हम कमांड देते हैं वो कितने भाग में होती है तो so, uh, सबसे uh, मतलब इसके दो ही मेन आपके पार्ट हैं जो पहला है आपका कॉशनरी अगला है आपका एग्जीक्यूटिव आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है देखिए जो क्वेश्चंस ना इसमें हम करा रहे हैं ये एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको स्किप मत करिएगा कमांड दो भाग में होती है कार्रवाई और चेतावनी ठीक है तो कॉशनरी होता है कि जब हम स्कॉट को कॉशन देते हैं ठीक है वो उसको चेतावनी बोलते हैं कि जैसे जैसे आपका परेड बोला है ना या प्लाटून बोला या स्कॉट बोला तो वो क्या होता है वो ये दिखाता है कि अब कमांड आने वाली है फिर आपका हो गया एग्जीक्यूटिव तो सावधान विश्राम है ना ने चलेगा धाई ने मुड़ ये चीज़ें तो ये आपकी हो गई कार्रवाई तो कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव चेतावनी और कार्रवाई सावधान को एक्सप्लेन कीजिए देखो पता हमें होता है कि कैसे है सावधान की पोजीशन फॉर्मेशन क्या है लेकिन हमको हमारी ना बॉडी को आदत होती है उस चीज़ की लेकिन अगर हमसे कोई डिफाइन करने के लिए कहता है हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो कुछ नहीं है बस जो आपकी सावधान की पोजीशन है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है जो आपकी हील्स हैं लेग्स के बीच में आप जो वी फॉर्म करते हो वो आपका थर्टी डिग्री फॉर्म करता है ठीक है थर्टी डिग्री उसको फॉर्म करना चाहिए नीज स्ट्रेट होने चाहिए बॉडी इरेक्ट चेस्ट लिफ्टेड एंड कर्व्ड शोल्डर स्क्वेयर फॉलिंग एक आर्म्स हैंगिंग स्ट्रेट डाउन हेड डरेक्ट चिन वर्टिकल आई स्ट्रेट टू द फ्रंट वेट ऑफ बॉडी रेस्टिंग इक्वली ऑन हील एंड टोज तो हील्स के साथ ए डी से मिलकर आपका थर्टी डिग्री का एंगल बनना चाहिए पैरों के बीच में सीधे घुटने सीधा शरीर आपका हाथ सीधा खिंचा हुआ होना चाहिए जो आपकी पैंट की सिलाई होती है ना साइड से उससे सीधा एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए सीधा सिर सीधा थुडी खड़ी अच्छा चिन्ह आपका सीधा है ना आंखें सीधी सामने की ओर आई एनऑल कहते होंगे याद करो चेस्ट आप चिन्ह आप लोकअप शोल्डर बैक टाइट सामने देख हिल मत वो सारा का सारा सावधान में वही एक्सप्लेन है अगला है राइट सम वर्ड ऑफ कमांड अच्छा तो जो भी मतलब वर्ड ऑफ कमांड देते हैं सावधान विश्राम आराम से दाहिने बाहें पीछे मुड़ या आधा दाहिने या बाहें पीछे मुड़ जो भी मतलब है आपका खुली लाइन चल निकट लाइन चल दाहिने सज विसर्जन लाइन तोड़ थम दाहिने या बाहें घूम दाहिने बाहें सल्यूट भी कह लो है ना तेज चल तो ये सारी की सारी कमांड है अपने आप से कुछ इन्वेंट मत करना पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन विसर्जन एंड लाइन तोड़ लिटरली इम्पॉर्टेंट विसर्जन का मतलब होता है कि आपकी जो परेड है ये एंड हो गई है ख़त्म हो गई है परेड और जो आपका जब ड्रिल ख़त्म होती है या जब आपकी परेड एंड होती है तब सल्यूट दिया जाता है अगर ऑथराइज़्ड ऑफिसर प्रेजेंट हैं तो अगर ऑफिसर प्रेजेंट हैं अपनी में प्रेजेंट हैं उनको सल्यूट किया जाता है लाइन तोड़ होता है कि आपके जो परेड का मतलब जो आपका पीरियड चल रहा है, है ना ड्रिल का उसमें आपका ब्रेक हो गया जैसे वाटर ब्रेक होता है ना आपको पाँच मिनट का वाटर ब्रेक मिल जाता है कि जाओ पानी पियाओ है ना अपनी ड्रेस ठीक कराओ तो उस चीज़ के लिए टेम्प्रेरी छोड़ के जाते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन तोड़ और विसर्जन हो गया परमानेंटली आज की ड्रिल खत्म हो गई है अब कल मिलेंगे ठीक है विसर्जन लाइन तोड़ में अंतर विसर्जन आपका परेड के अंत का संकेत देता है लाइन तोड़ अस्थाई रूप से परेड में ब्रेक का संकेत देता है नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकिन ड्योरिंग स्लो मार्चिंग स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है आपके सेवेंटी सेवेंटी स्टेप्स धीरे चाल में एक मिनट में कितने कदम होते हैं सत्तर स्टेप्स आप देखते हो गए धीरे चाल टोस को खींच के जब वॉक करते हैं धीरे धीरे तो रेथ ले करते हुए देखा होगा आपने डिस्टेंस बिटवीन फीट एंड विश्राम विश्राम में आपके लेग्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है तो देट इज योर ट्वेल्व इंचेज मार्च के टाइम पे कौन से फीट पे आपकी कमांड स्टार्ट होती है देखो लिटरली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ, याद रखना कि जब भी जैसे मान लो हम जब भी ड्रिल करते हैं तो कौन से पैर पे कमांड दी जाती है कोई भी कमांड हो वो आपकी है ना पीछे मुड़ के कमांड हो गई थम की कमांड हो गई तो ये आपको लेफ्ट पैर पे दी जाती है ऑलवेज एंड ऑलवेज बट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ये आपसे नेवी ड्रिल में पूछा जाता है तो नेवी ड्रिल में आपको राइट पैर पे कमांड मिलती है ठीक है तो अगर अब ये क्वेश्चन आपको जनरली होगा कन्फ्यूजन कि अगर ये कॉमन uh, सब्जेक्ट uh, के अंदर आता है जैसे अगर ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉमन सब्जेक्ट uh, के अंडर आता है तो आप लेफ्ट लिखोगे क्योंकि उसमें आर्मी ड्रिल ही पढ़ते हैं हम लोग और अगर ये आपका सौवे सब्जेक्ट में आता है नेवी के बच्चों के लिए तो आप उसको राइट right लिखोगे क्योंकि नेवी ड्रिल में हम राइट right ब्लिक पे कमांड देते हैं तो uh, कमांड किस पैर पे दी जाती है बाएं पैर पे दी जाती है विच एरिया द डिफरेंट सैल्यूट एट द मार्च अच्छा बेसिकली चलते मतलब आपके कौन से कौन से मेन सेल्यूट्स होते हैं तो पहला हो गया आपका दाहिने सल्यूट फिर बाहें सल्यूट और सामने सेल्यूट तीन टाइप के सैल्यूट होते हैं ठीक है uh, दाहिने बाहीं तो है ही हिंदी में ही है ओके okay, फाइन अगला है आपका स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑनर फॉर द प्रेजिडेंट इज़ तो जो आपका गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ती है रिपब्लिक डे कैंप में प्रेसिडेंट के लिए तो वो आ, कितने की रैंक होती है तो भैया वन फिफ्टी की रैंक होती है जो तीन रोज़ में खड़े होते हैं इस दोनों चीज़ों को याद रखना थ्री रोज में खड़े होते हैं बाकी प्राइम मिनिस्टर और औरों के लिए दो रोज़ में खड़े खड़े होते हैं ठीक है रोज भी याद रखना तो राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या कितनी होती है तो तीन पंक्तियों में 150 सौ पचास खड़े होते हैं तीन पंक्तियाँ याद रखना क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और बाकी के लिए जो सल्यूट लगता है वो दो पंक्ति में लगता है अगला है आपका जनरल सल्यूट दिया जाता है मेजर जनरल एंड अबव रैंक तो जो मेजर जनरल है इंडियन आर्मी में मेजर जनरल के इक्विवेलेंट रैंक है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में कमेंट करके बताना कौन सी रैंक है इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में इंडियन uh, एयरफोर्स में मेजर uh, जनरल के साथ की रैंक ठीक है आई होप इतना यू शुड नो तो नंबर ऑफ पर्सन डिटेल फॉर द गार्ड माउंटिंग इन क्वार्टर गार्ड इज़ तो कितने लोग खड़े होते हैं क्वार्टर गार्ड में गार्ड माउंटिंग के लिए मतलब गार्ड चढ़ाने के लिए कितने बच्चे खड़े होते हैं तो ये हैं आपके आठ बच्चे दो प्लस छः दो इसमें आपके होते हैं कमांडर और संतरी और बाकी छः आपके मतलब बाकी बच्चे खड़े होते हैं हल्का उसमें हल्का सेपरेशन में तो टोटल आठ बच्चे होते हैं कौन सी कौन सी टाइप है ड्रिल का आपका ओपन ड्रिल क्लोज ड्रिल यू शुड नो दिस बैड हैबिट ऑफ ड्रिल क्या है रोलिंग ऑफ आईज हॉपिंग एंड जम्पिंग ड्रैगिंग ऑफ फुट क्लिकिंग द हील अब इसमें तो यार ड्रिल में भैया कोई भी हरकत करना है ना नॉर्मल खड़े रहने के अलावा कोई भी हरकत करना वो बैड हैबिट में ही आती है तो उसमें आप कुछ भी लिख दो बट इनको थोड़ा याद रखना थोड़ा ठीक रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छा ड्रिल की बुरी आदतें आंखों को घुमाना कूदना और कूदना पैर खींचना एडी पर क्लिक करना मतलब कुछ भी हरकतें करना सीधे ना खड़े होने के अलावा बाकी सब करना है ना दैट कम्स अंडर द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल टर्निंग इन बाहे मुड तो कितने डिग्री घूमते हो 90 डिग्री पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमा जाता है नेशनल सल्यूट दिया जाता है प्रेजिडेंट और नेशनल फ्लैग को याद रखिएगा स्टार मार्क करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सल्यूट किसको दी जाता <laughs> राष्ट्र सैल्यूट किसको दिया जाता है राष्ट्रपति और राष्ट्र ध्वज अगला है आपका आधा दाहिने या आधा बाहें मुड इस थ्रू कितना डिग्री मतलब बेसिकली दाहिने मुड़ या बाहें मोड़ तो आपका हो गया कितना नब्बे नब्बे डिग्री हो गया तो आधा दाहिने मुड़ या आधा बाहें मुड कितना होगा ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है आधा मतलब हाफ तो नाइन्टी डिग्री का हाफ कर दो तो फोर्टी डिग्री हो गया फोर्टी डिग्री ठीक है कैरेक्टिक ऑफ वर्ड ऑफ कमांड तो वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या हैं वर्ड ऑफ कमांड शुड बी गिवन लाउड एंड क्लियर टू द स्कॉट कैन हियर क्लियरली जोर और स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए ताकि जो दस्ते ताकि दस्ते स्पष्ट रूप से सुन सके मतलब जो प्लाटून है आपका वो सही से सुन सके वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन इन टू पार्ट्स कॉशनरी एग्जीक्यूटिव तो दो भागों में दिया जाता है चेतावनी कार्रवाई कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड शुड बी गिवन इन लाउड वॉइस एंड एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड शुड बी लाउडर एंड शार्पर सावधान कमांड न, 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 न यहाँ पे है एक्चुअली चेतावनी शब्द का आदेश की ऊंची आवाज़ में दिया जाना चाहिए ठीक है यहाँ पे आपका सावधान शब्द नहीं आएगा यहाँ पे आपका आएगा चेतावनी फिर है आपका कार्रवाई ठीक है जो जब हम लोग जो बोलते हैं ना कि जो चेतावनी है आपकी ठीक है चेतावनी आपकी जोर से और तेज होनी चाहिए और जो कार्रवाई की कमांड है आपकी तो कार्रवाई की कमांड ऊंची होनी चाहिए और एकदम तीखी होनी चाहिए मतलब उसे कट कर देना चाहिए जैसे आपका कॉशनरी या आपका चेतावनी है स्कॉट तो उसको हम लंबा खींचते हैं ना स्कॉट करके लंबा खींचते हैं और सावधान हो गया विश्राम हो गया कोई भी जो आपकी एग्जीक्यूशनरी में आती है या आपकी जो कार्रवाई के भाग में आती है तो वो आप कैसे देते हो सावधान है ना या विश्राम तो ऐसे करके देते हो तो वो थोड़ा जोर पड़ के ताकि जो बच्चे हैं मतलब वो उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करें उसको काम करें उस पर सीधा ओके अगला है जो वर्ड ऑफ कमांड देता है वो हमेशा सावधान पोजिशन में होना चाहिए ये हमें देखते तो हैं लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं याद रखिएगा इसको आज्ञा देने वाला सावधान की स्थिति में होना चाहिए अगला है आपका वेपन ट्रेनिंग तो ये है इन्हें एक्सपैंड करिए ठीक है ये आपको एब्रीविएशन दे रखी हैं सारी एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है एम पी आई मीन पॉइंट मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तो देखो ये आपको हिंदी में नहीं दी जाएगी ये इंग्लिश ही होगा इसका मोड तो इसको याद रख लेना एस एम सी है आपका स्टेन मशीन कार्बाइन ये उसका मशीन का वो है एल एम जी लाइट मशीन गन वही मशीन का एक वेरिएंट है एस एल आर हो गया आपका सेल्फ लोडिंग राइफल डी पी हो गई ड्रिल प्रैक्टिस सी क्यू बी हो गई क्लोज क्वार्टर बैटल टी ओ ई टी हो गया टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग अगला है कोई दस पार्ट लिखिए कॉमन टू ऑल द वेपन ठीक है weapon, राइफल के कोई भी दस भाग लिखिए जो अलग अलग राइ मतलब एक जनरल राइफल के होते हैं uh, पॉइंट टू टू एस एल आर मतलब जनरली कॉमन होते हैं ठीक है थीके? साई राइफल्स में तो बैरल है फोर साइड नॉब बायोनेट मैगजीन ट्रिगर एंड ट्रिगर गार्ड बैक साइड बट पिस्टन ग्रिप कॉकिंग हैंडल सेफ्टी कैच चेंज लेवर देखो आपको ऊपर आई बटन में ना मैंने लिंक दे रखी है जो राइफल के पार्ट्स की मैंने एक वीडियो बनाई है उसकी लिंक यहाँ पे गिवन है तो आप उसे क्लिक करके देख लीजिए ज़रूरी नहीं है कि यही दस लिखने हैं ये तो बस नॉर्मली टेन पार्ट्स मैंशनड है आपको उसमें से जो अच्छे लगे ना जो आराम से याद हो जाए उन पार्ट्स को याद कर लीजिएगा अगला है अलग अलग पोजीशंस कौन सी हैं फायरिंग के टाइम पे चार आपकी मेन पोजीशंस हैं लाइंग पोजीशन सिटिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग लाइंग हो गई लेटे हुए पोजीशन सिटिंग हो गई बैठ के जो आपकी पोजीशन है जैसे स्टैंडिंग देख रहे हो आप यहाँ पे खड़े में जो ये लड़की सबसे फर्स्ट है है ना फिर बीच में देखो सिटिंग पोजिशन है जो बैठी हुई है ये और तब फायर है फिर आपका इसके नीचे है नीलिंग पोजिशन नीलिंग मतलब घुटने पर आप आए हुए हो फिर आप वो कर रहे हो और लाइंग पोजिशन हो गई आप सीधा लेटे हो फिर आप लोग फायर कर रहे हो अगला है कोई थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स बताइए ऑफ अ गुड फायरर अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक अच्छा जो आ, मतलब जो अच्छा फायरर है अच्छी जो मतलब आ, कैसे बोलो भाई जो अच्छी फायरिंग करता है ठीक है उसकी अच्छी क्वालिटीज़ बताइए तो ये एच ए टी ठीक है हैट इसको याद रखना ये लिटरली इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट भी है कह सकते हो तो एच से हो गया आपका होल्डिंग ए से हो गया एमिंग टी से हो गया ट्रिगर ऑपरेशन तो पहला है आपका होल्ड मतलब आप जो भी आपके पास है है ना या जो भी आपके पास वेपन है उसको अच्छे से ग्रिप लेना उसकी अच्छे से पकड़ना टाइटली पकड़ना अगला है एमिंग अच्छे से उसका निशाना लगाना ठीक है जो हम सही से लगाते हैं सांस रोक के अच्छे से और तीसरा है आपका ट्रिगर ऑपरेशन मतलब कि जो हम आ, ट्रिगर को दबाते हैं ना जिससे आपका सीधा बंदूक मतलब गोली निकल जाती है तो उसको आराम से ध्यान से धीरे से दबाए दबाएं है ना और अपने सांस को रोक के तो ये तीन चीज़ें होती हैं तो जो ये बच्चा अच्छे से तीनों चीज़ों को कर लेता है तो वो अच्छी वायरिंग करता है तो ये अच्छी क्वालिटीज़ है ऑफ अ गुड फायरर तो ये जनरल आपका एन के बारे में है जनरल जो क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे पहला है वट इज़ द मोटो ऑफ एन एनसीसी सी का मोटो क्या है उसका आदर्श वाक्य क्या है तो दैट इज़ योर यूनिटी एंड डिसिप्लिन एकता और अनुशासन अगला है एम्स क्या है एनसीसी के तो जो एनसीसी की एम्स हैं ये बेसिकली थ्री फोल्ड है कहने का मतलब ये है कि ये तीन पार्ट्स कवर करते हैं सबसे पहला है टू डेवलप द दे फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन अ कैडेट क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ओके अगला है आपका कमरेडरशिप कमरीडरशिप होता है भाईचारा अगला है आपका डिसिप्लिन फिर आपका सेक्यूलर आउटलुक सेक्युलर आउटलुक हो गया आपका कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या कास्ट को प्रमोट ना करे सेक्युलर हो सबके साथ एक ही अभाव से रहे स्पिरिट ऑफ एडवेंचर हो गया आपका स्पोर्ट्स मैनशिप हो गया और आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री इसका मतलब ये है कि जो हम अपने समाज को क्या करते हैं सेवा करते हैं ना समाज की कहते हैं तो टू सर्व द सोसाइटी तो ये हो गया कि सेल्फलेस तरीके से निस्वार्थ भाव से सेवा करना सोसाइटी की अगला है आपका टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ठीक है ये क्या है आपका कि एक ऐसा बच्चों को ट्रेन करना एक ऐसा यूथ बनाना एक ऐसी टुकड़ी बनाना ऐसा रिसोर्स बनाना ठीक है जो ऑर्गेनाइज हो ट्रेनिंग मिली हो उनको पर्टिकुलर मोटिवेटेड हो उनके अंदर वो एनर्जी हो वो जोश हो जिससे वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें हर आ, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में ठीक है हर वॉक ऑफ लाइफ में और हमेशा अवेलेबल रहें देश की आ, सेवा के लिए फिर है एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिसमें जो यूथ है जो यंग बच्चे हैं वो मोटिवेट हों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अपना करियर को आ, लेने के लिए अगला है एनसीसी के उद्देश्य क्या है अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया जास्ट ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है एक बार फिर बोल देती हूँ चरित्र का विकास कमरेडरशिप भाईचारा अनुशासन धर्म निरपेक्ष ठीक है वही वाली बात कि किसी भी धर्म को ज्यादा बढ़ावा ना देना सबके साथ एक तरीके से रहना साहस होना चाहिए खेल भावना देश के युवाओं में ठीक है निस्वार्थ सेवा का आदर्श फिर मैंने आपको ये दोनों बता ही दिए हैं ठीक है फिर आपका आ जाता है एनसीसी स्टाफ तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो एनसीसी है इसको ऑन अ ग्राउंड लेवल कौन स्टाफ करता है जैसे अगर हम ऊपर से बात करें तो वो तो आपका हो गया डीजी का ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल जनरल हैं हैं उसके नीचे आपके एसोसिएट है, है ना तो वो तो वो हो गया ऊपर से लेकिन रेगुलर बेसिस पे कौन एनसीसी का ध्यान रखता है तो सबसे पहला आपका हो गया रेगुलर ऑफिसर्स फ्रॉम थ्री सर्विसेज मतलब इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपके कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट होते हैं है ना वो लोग हो गए अगले हैं आपके होल टाइम लेडी ऑफिसर्स जिससे आपके मेल ऑफिसर्स हो गए सिमिलरली फीमेल ऑफिसर्स भी होती हैं वो भी एनसीसी से होती हैं अगला है आपका एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स जो प्रोफेसर होते हैं टीचर्स होते हैं बट वो एएनओ की भी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपके ए एन ओज होते हैं जो यूज अगला आपका गर्ल गर्ल क्रडेट इंस्ट्रक्टर जी सी आई ये आपकी एन सी सी से होती हैं ये केयर टेक करती हैं बेसिकली गर्ल्स के डिपार्टमेंट को कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है ना जो गर्ल्स की लाइक डिपार्टमेंट है वो सारा अगला है आपका परमानेंट इंस्ट्रक्टर पी आई स्टाफ फ्रॉम आर्मी नेवी एंड ने एयर फोर्स तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग जनरल आपके डी आई भी होते हैं थोड़ा जनरल मैनेजमेंट देखते हैं आपका क्लर्क मतलब वैसे काम भी करते हैं फाइल में है ना ये सारी चीज़ें फिर है आपका सिविलियन ग्राइडिंग इंस्ट्रक्टर ये एयरफोर्स में होते हैं अगला है आपके सिविलियन स्टाफ तो सिविलियन मेंबर्स भी होते हैं जो बाकी काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं अगला है आपका ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला है आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो आपको इंस्टीट्यूट में मिलती है जैसे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में जो परेड आप अटेंड करते हो वो अगर आप लोग यूनिट जाते हो या बटालियन में ट्रेनिंग लेते हो तो वो अगला है कैंप ट्रेनिंग तो कैंप ट्रेनिंग में भी ये कंपलसरी कैंप की बात कर रहे हैं ऐसा कैंप जो होता ही होता है कौन सा होता है वो आपका सी ए टी सी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप या ए टी सी एनुअल ट्रेनिंग कैंप अगला है आपका अटैचमेंट ट्रेनिंग तो ये आपकी आई एम ए से है ना ओ टी ए से यहाँ पर अटैचमेंट रखते हैं फिर नेवल विंग एयर विंग ठीक है आर्मी विंग की एक्टिविटी होती है और आपका रिमाउंट एंड वेट अरे आपने वो देखा होगा आर डी सी में वो घोड़ों की बटालियन होती है ना इसको देख के बड़ा मज़ा आता है हॉर्स राइडिंग वाला तो वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं तो कौन से कौन से आपके कैंप्स हैं तो एनुअल ट्रेनिंग कैंप ठीक है मैंने बताया जो आपका हर साल लगते हैं सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप जो आपका डीजी जी एन जो है वो उन्हें ऑर्गेनाइज करता है तो उनमें उनके अंदर क्या क्या आ गया उनके अंदर आ गया थालसेना कैंप वायुसेना कैंप नौसेना कैंप है ना रॉक क्लाइंबिंग आर तो सबसे इंपॉर्टेंट है एन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी आपका सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप के अंदर आता है फिर अगला है लीडरशिप कैंप तो बेसिक लीडरशिप या एडवांस लीडरशिप के हम दोनों होते हैं फिर आपका एडवेंचर ट्रेनिंग हो गया और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया वाई अगला है कितने डायरेक्टरेट्स हैं इंडिया की इम्पोर्टेंट है पूछ लेते हैं तो आपकी है सेवेंटीन डायरेक्टरेट्स इसमें आपको मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ जो बहुत आजकल मतलब जैसे लिंक कर दिया जाता है कि सबसे नई डायरेक्टोरेट कौन सी बनी है विच इज़ द न्यूएसट डायरेक्टोरेट तो दैट इज़ योर उत्तराखंड डायरेक्टोरेट है आपका प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है तो श्री राजनाथ सिंह आपके वर्तमान रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीसी के तो अभी वर्तमान महानिदेशक ठीक है कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ठीक है तो ये इनका नाम है अगला है नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता क्या है तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है एक एक, एक आ, मतलब एक जुटता का फीलिंग टुगेदरनेस की फीलिंग यूनिटी हो आपस में ठीक है लोगों में ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें सारे सिटीजन जितने भी मतलब देश के नागरिक हैं वो सारे अपनी कास्ट के चाहे कोई भी कास्ट हो रिलीजन हो कोई भी रीजन हो ठीक है कोई भी क्षेत्र हो कुछ भी हो ठीक है वो अपना आराम से मज़े में रहते हैं इंटीग्रेशन होना चाहिए बेसिकली हर इन ऑल द रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन मतलब क्या कि एक दूसरे में मिल जाना ठीक है तो मिलाव होना चाहिए सारे तरीके तरीके से आपका सोशली होना चाहिए पॉलिटिकली इकोनॉमिक और सबसे ज़्यादा तो इमोशनली क्योंकि एडिशन होना चाहिए मतलब जो एक दूसरे में एक दूसरे से मिल मिला जुला, जुला भाव कहते हैं ना ये होना चाहिए सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिक और इमोशनल एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए सामने वाले ह्यूमन को लेकर एक ऐसी इंटीग्रेटेड कंट्री हो जहाँ पर लोगों के सेम गोल्स हों और सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे किस चीज के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए तो राष्ट्र एकता का अर्थ है जिससे किसी भी देश के लोग के बीच में एकजुटता और एकता का भाव ठीक है इसके अर्थ मतलब इसका मतलब है कि एक ऐसा वातावरण हो जिसमें सारे के सारे नागरिक चाहे उनकी कोई भी जाति है धर्म है वो किसी भी क्षेत्र के हों सब शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं इसमें किसी भी तरीके के सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक ठीक है ये दिक्कतें नहीं होती उसमें और सबसे ज़्यादा बढ़कर तो उनमें भावात्मक एकीकरण होना चाहिए वो भावात्मक तरीके से एक दूसरे को इंसान समझें और उनकी 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 रिस्पेक्ट करें तो वहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है जो लोगों को एक करती है जो एकता का भाव लाती है एक एकीकृत देश में लोग सामान्य लक्ष्यों को साझा करते हैं क्योंकि अब सारे के सारे जब एक होंगे तो उनकी गोल्स भी सेम होंगे और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे अपने देश की समृद्धि के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे अगला है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन तो अचीव हो सकता है लेकिन उसमें दिक्कतें भी हैं तो ऑब्वियसली है दिक्कतें क्या हैं आपकी राष्ट्रीय एकता की प्रमुख समस्याएं समस्या क्या है पहला है कास्टिज्म कास्टिज्म वही कि कास्ट के आधार पर जाति के आधार में भेदभाव करना अगला है आपका कम्यूनलिज्म कम्यूनलिज्म होता है धर्म के आधार पे ठीक है रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे से झगड़ा पालना संप्रदायिकता अगला है लिंग्विस्टिक फैनाटिज्म तो ये आपका हो गया कि भाषा के आधार पे जैसे भाषा भी तो कितनी ज़्यादा है इंडिया में इनफैक्ट कितनी डिफरेंट डिफरेंट है साउथ इंडिया नॉर्थ नॉर्थ इंडिया की कितनी डिफरेंट हो जाती हैं लैंग्वेजेस ठीक है तो रीजनलिज्म तो ये आपका हो गया क्षेत्रवाद कि भैया अलग अलग रीजन से कि कौन किस रीजन से है फिर अगला है आपका सोशल डिस्पेरिटी तो यहाँ पे है आपका ये सामाजिक असमानता इकोनॉमिक इन आर्थिक असमानताएँ तो इसमें क्या हो गया आ, अमीर और गरीब रिच और पुअर के बीच में फ्रैगमेंटेशन अगला है मेजर्स टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन कैसे राष्ट्रीय एकता को प्राप्त कर सकते हैं तो एजुकेशन होनी चाहिए शिक्षा होनी चाहिए सब में रिलीजस टॉलरेंस होनी चाहिए एक दूसरे के धर्म को वो एक्सेप्ट करें लिंग्विस्टिक टॉलरेंस ठीक है तो भैया लिंग्विस्टिक टॉलरेंस तो एक दूसरे के लैंग्वेज को लेकर टॉलरेंस होनी चाहिए यूज़ ऑफ रेडियो टी अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो मीडिया है जो आ, लोगों तक पहुंचा सकती है वो तो वो हो गया रेडियो और टीवी के उस पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव सरकार की पहल होनी चाहिए इस चीज़ को लेके तो गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी उससे ये चीज़ें और बेटर होती हैं इम्पॉर्टेंस एंड फंडामेंटल ऑफ यूनिटी तो एकता का महत्व और मूल बातें सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल uh, यूनिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल पीस के लिए हारमोनी के लिए हमारे पास पीस भी तभी, तभी होगी सिक्योरिटी भी तभी होगी और म्यूचुअल ट्रस्ट अगर है ना लोगों में तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती अगर एक देश में किसी भी तरीके की डिसरप्टिव टेंडेंसीज हैं मतलब लड़ाई वाला भाव है और ऐसी फोर्सेस हैं है ना मतलब एक दूसरे से एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस हैं जो नेशनल यूनिटी को तोड़ना चाहती हैं तो तब तो भैया हो ही नहीं सकती आप, आप देश आगे नहीं बढ़ सकता इस केस में राष्ट्रीय एकता का महत्व सामाजिक शांति एवं समरसता एवं समरसता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक है ठीक है शांति और सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं हम तभी जब आपके जो लोग हैं अलग अलग जो वर्ग हैं उनके बीच बीच में आपसे विश्वास हो कब हो सकती हैं जब जो लोग हैं सारे वर्ग हैं उनके बीच में आपसे विश्वास हो ठीक है और आ, ये जो चीज़ें हैं ऐसी जो नेगेटिव uh, है ना जो फोर्सेस होती हैं जो uh, राष्ट्र को तोड़ने की बातें करती हैं या जो uh, लोगों के बीच में जो एकता का भाव है उसको हटाती हैं तो उससे क्या होगा उससे हमारे देश की देश हमारा आगे बढ़ ही नहीं सकता देश की तरक्की नहीं हो सकती उस केस में तो इसलिए आपका नेशनल यूनिटी इम्पॉर्टेंट है अगला है फंडामेंटल्स ऑफ यूनिटी तो एकता की मूल बातें तो पहला हो गया आपका लैंग्वेज भाषा कास्टिज्म जातिवाद एजुकेशन शिक्षा कम्यूनलिज्मिकता रीजनलिज्म आपका क्षेत्रवाद तो आज के हम लोग दो तीन टॉपिक पे फोकस करेंगे सबसे पहला हमारा टॉपिक है लीडरशिप इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके लीडरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स क्या हैं नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण गुण क्या है तो आपके हो गए अलर्टनेस अलर्ट होना बियरिंग करेज डिससिवनेस अच्छे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिपेंडेबिलिटी डिपेंडेबिलिटी यहाँ पे नेगेटिव उस पर नहीं है सामने वाले पे डिपेंट होना वो वाली बात नहीं है कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ग्रुप होता है या जो एक लीडर होता है वो अपने ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है किसी काम के लिए तो ये एक पॉजिटिव मैनर में डिपेंडेबिलिटी है इंड्योरेंस क्षमता रखना रखनाजुम फिर है आपका इनिशिएटिव किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना इंटीग्रेटी कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करना उसको मिक्सअप करना उसको मौज कर पाना जजमेंट फिर है आपका जस्टिस नॉलेज लॉयल्टी सेंस ऑफ ह्यूमर अगला है टाइप ऑफ लीडरशिप ट्रेट्स नेतृत्व शैली के प्रकार आपके दो स्टाइल हैं लीडरशिप के आ, वैसे तो आपका वाइड रेंज ऑफ स्टाइल है लेकिन स्टिल हम लोग दो स्टाइल को मेन पढ़ते हैं जो पहला है आपका ऑटोक्रेटिक और अगला है डेमोक्रैटिक तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि आपका एक पर्सन होता है एक इंसान होता है जो अपनी अपनी चलाता है मतलब अपना उसका उसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है जैसे अथॉरिटी होती है ना या अथॉरिटेटिव बोलते हैं तो उसी से लिंक कर दो आप ऑटोक्रेटिक वर्ड को और अगला है डेमोक्रेटिक जो जिसमें लोगों का ज़्यादा मत होता है जिसमें लोगों का ज़्यादा भूमिका होती है इम्पोर्टेंट तो ऑटोक्रेटिक वही है सारे पॉलिसी प्रोसीजर लीडर के द्वारा डर होते हैं और डेमोक्रेटिक में लोगों के साथ डिस्कशन किया जाता है ग्रुप डिस्कशन होता है और इंक्रेजमेंट दिया जाता है उसको फिर फाइनली लीडर आपका डिसीजन लेता है अगला है आपका फेयर लीडरशिप स्टाइल ये जो आ, आपका यूनिक स्टाइल है इसमें ऐसा होता है कि जो लीडर है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है मतलब आपका जो लीडर है वो आ, वो एक दूसरे नंबर पे भूमिका निभाता है ठीक है मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम दी जाती है वो कंप्लीट फ्रीडम बेसिकली ग्रुप को दी जाती है लाइक like लीडर का उसमें बेसिकली कोई रोल ही नहीं होता ग्रुप ही आपस में डिसीजन लेता है और जो लीडर है वो सिर्फ उनके डिसीजन को हाँ कर देता है सिर्फ उसमें वो सिर्फ एक फिगर के तौर पे है उसके अपने आप में कोई पावर नहीं होती है अगला है टाइप ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड्स कैसे होते हैं तो एक इंसान में कैसे कैसे आपके कैसा मतलब वो बिहेव कैसे मतलब उसके अंदर एटीट्यूड्स होते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है, है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है नॉर्मल है वो रिबेलियस है कि भैया वो लड़ता है उसके अंदर एक विद्रोह करने का एटीट्यूड रहता है रैशनल और इराशनल होता है इंडिविजुअल और सोशल एटीट्यूड अगला है टाइम मैनेजमेंट हेल्प कैसे करता है तो अगर टाइम मैनेजमेंट हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर कि हम लोग कम करेंगे रिड्यूस करेंगे जो हम टाइम वेस्ट करते हैं उसको तो हमारे पास क्या बच जाएगा हमारे पास ज़्यादा वो टाइम बच जाएगा जिसमें हम लोग काम कर पा रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूसिव या प्रोडक्टिव टाइम बच जाएगा एक दिन का जैसे टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया आपका कि हम अच्छा अच्छा टाइम निकाल पाएँ और जो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ से मतलब तो उसे कम कर पाएँ या उसको ज़ीरो कर पाएँ ठीक है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे एक दिन में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना ताकि हम लोग ज़्यादा काम कर पाएं और अपना कम टाइम वेस्ट करें तो हम लोग अच्छा अकम्पलिश कर पाएँ कम एफर्ट्स के साथ अपना टाइम और एनर्जी को फोकस करना उस पे जो इम्पोर्टेंट है टाइम है आपका और जो अपनी एनर्जी है उस उस पे केंद्रित करना उस पे ध्यान देना जो आप चाहते हो जैसे अगर आप Uh, अभी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो और आपका मन है कि उस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो तो अपने आप दिन का ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उस स्पोर्ट्स पे देना चाहोगे या अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो दिन के आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उस पढ़ाई को देना चाहोगे ठीक है वही वाली बात है फिर है अपना लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से सेट करना गोल्स को और अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना और स्ट्रेस को कम करना एन का रोल क्या है पर्सनालिटी या कैरेक्टर डेवलपमेंट में तो आपका एन एक अच्छा रोल uh, डेवलप uh, कर सकती है सोशल सर्विस uh, में और नेशनल इम्पोर्टेंस में तो एन ट्रेनिंग बच्चों को मोटिवेट कर सकती है यूथ को मोटिवेट कर सकती है जनरल नॉलेज के लिए उनकी लाइफ की स्किल्स के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तो आपका ड्रिल है है ना इंटीग्रेशन है कैडिट्स का इन कैंप जैसे कि कोई भी कैंप लगता है तो उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे आपस में इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं सिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस लीडरशिप ट्रेट्स बिल्ड करते हैं एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर है आपका एक्सपोज करना टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज टैलेंट्स सर्विस माइंडेड बनते हैं इंटरेक्ट कर पाते हैं पब्लिक में क्वेश्चन है तो एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आपको हिंदी में भी बता दूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो जो एन है वो चरित्र के विकास में कैसे मदद करती है तो एन आपका समाज में उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है है ना डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत मदद करती है जो एन की ट्रेनिंग होती है जो एन की ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं उससे क्या होता है उससे जो यंग जनरेशन है जो हमारे हमारे जो एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं उनको कैसे मदद होती है उनके जी के जो है आपका जनरल नॉलेज वो बढ़ती है उनका जो कम्युनिकेशन जो बातचीत करने का जो तरीका है वो बढ़ता है चरित्र का विकास होता है उनका और उनकी जो जिंदगी को जीने की स्किल्स होती हैं है ना वो चीज़ बढ़ती हैं तो ड्रिल से बच्चे में डिसिप्लिन आता है अच्छा अनुशासन आता है उसकी ज़िंदगी में अलग कैडेट आते हैं कैम्प्स में है ना कोई कि किसी राज्य का है कोई कोई भाषा बोलता है कोई कुछ है है ना तो वो सब आते हैं एक दूसरे से मिलजुल के इंटरेक्ट करते हैं तो उन सब का आपस में विकास होता है साथ में अगला है सब लोग अलग अलग वहाँ पे प्रतियोगिता में पार्ट लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है जैसे अलग अलग वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे नेतृत्व की जो कला होती है वो उसका विकास होता है एक बच्चे में जो तो लोग हैं उनसे बातचीत करना अब जैसे एक बड़ा समूह है लोगों का तो उनसे बात करने में उनकी उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं है ना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं तो और वो भी बहुत बड़ी बात होती है लोगों से वरना जनरली बात करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है फिर खेल भावना है ना खेल में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो और साथ में एडवेंचर की जो स्पिरिट होती है वो भी बढ़ती है और एक जो सर्विस है ठीक है मतलब एक जो समाज सेवा का भाव है वो भी डेवलप होता है अगला है व्हाट आर द मेजर्स टू डेवलप पर्सनैलिटी तो कैसे पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है जजमेंट मिररिंग मिररिंग मतलब कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आपके फ्लॉज क्या हैं क्या गलतियां करते हो आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करने से तो उससे भी आपके चरित्र का विकास होता है बी चेयरफुल एंड नाइस खुश रहना है ना अपने मुँह में एक uh, uh, खुश रहना भी मुँह में एक हमेशा स्माइल uh, कैरी करना और अच्छे से बात करना सबसे काइंडनेस रखना सिंसियर होना ट्रस्टवर्दी होना है ना ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाना कि सामने वाला जो पर्सन है वो आप पे ट्रस्ट कर पाए कंपेलिंग uh, आइडियाज़ मतलब कहीं पे कुछ हो तो अपने आइडियाज़ आपके ऐसे होने चाहिए आप ऐसे आइडिया दो जो क्रिएटिव हो और जो सिचुएशन को बीट कर पाए कन्वेक्शन होना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लीडरशिप नेतृत्व का भाव हो कम्युनिकेशन स्किल्स हो आपकी अच्छी बातचीत आप सही से कर पाओ अगला है ड्यूटीज़ क्या होती हैं एक गुड सिटीज़न की एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य क्या है तो एक जो अच्छा नागरिक है उसे पता होता है उसके राइट्स क्या हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या है उसकी उसे क्या काम करना है देश की तरफ और उसको देश से क्या अधिकार मिले हुए हैं तो ड्यूटीज़ uh, क्या है कि भैया वो लॉयल रहे और अलीजियांस ओ करे टुवर्ड्स द स्टेट मतलब वो हमेशा देश की तरफ लॉयल रहे तो उसको आप देशभक्ति कह सकते हो है ना कहीं मतलब uh, और हमेशा स्टेट की तरफ अपनी कंट्री की तरफ बेसिकली स्टेट या राज्य नहीं है यहाँ पे कंट्री के टर्म में यूज़ किया गया है और हमेशा वो अपनी कंट्री की तरफ uh, ईमानदार रहे पेट्रियाटिज़म रहे देशभक्त रहे और हमेशा इंडिपेंडेंस जो है हमारी कंट्री की उसकी प्रजर्वेशन में मतलब उसकी आ, हाँ उसकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहे सर्विस हमेशा सर्विस पे ध्यान दे बिफोर सेल्फ हमेशा सेवा में ध्यान दे, अपने हित से पहले सेंस ऑफ ड्यूटी हो उसमें क्या uh, केयर हो और प्रोटेक्शन हो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की जैसे जो भी हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका ध्यान दे वो और उसकी उसको बचाव पर ध्यान दे हाई कैरेक्टर का हो वो उसका चरित्र अच्छा हो एक अच्छा सिटीजन हो सिटीज़न हो और वो अपने एक अच्छा नागरिक हो और वो दूसरे नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको भी उतना ही महत्वपूर्ण समझे उतना इम्पोर्टेंट समझे जैसे उसके खुद के अधिकार हैं डिफाइन सिटीज़न देखो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा इजी है लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है हमको पता होता है कि सिटीज़न क्या है मन में लेकिन हमको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती तो इसलिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप वहां पे लिख पाए सिटीजन क्या है सिटीजन एक ऐसा मेंबर है पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो अलीजियंस ओ करता है टुवर्ड्स द स्टेट स्टेट ना कह के आई वुड से कंट्री इज अ बेटर वर्ड और जो इंजॉय करता है प्रोटेक्शन एंड राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री अ पार्शियल सिटीजन ओज स्टेट्स बट हैज़ नो पोलिटिकल राइट्स नो अलीजियंस टू द स्टेट्स एंड हैड नो पोलिटिकल राइट्स बट ओ ओनली सिविल राइट्स ठीक है सिटीजन क्या है बेसिकली जिसको हम नागरिक कहते हैं अब आप देखो आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते तो हैं लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है सिटीजनशिप नहीं मिली है बेसिकली देश की जैसे जिस, हम बोलते हैं वो रेफ्यूजीज़ हैं इस कंट्री से भाग के आ गए इस कंट्री से भाग के आ गए और रहते हैं लेकिन हमारे देश के सिटीज़न नहीं है तो सिटीज़न कौन होता है जिसको जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का हो ठीक है जो हमारे देश की तरफ जिसके कर्तव्य हो और जो प्रोटेक्शन जिसे मिले हमारे देश से जैसे कि जो हमारी कंट्री है ये सब है, है ना ये प्रोटेक्शन दें और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा उसको राइट्स मिले हो तो ये हो गया आपका सिटीजन और पार्शियल है है ठीक जिसके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है लेकिन आ, उसके पास सिविल राइट्स हैं अब आप, आपको पता होगा कि राइट्स भी कई तरीके के होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं ठीक है सिविल राइट्स होते हैं तो ये अलग अलग राइट्स हैं अच्छा अगला टॉपिक है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल अफेयर्स तो आपका सिविल डिफेंस क्या है सिविल डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया तो इसको इनाक्ट किया था हमारे पार्लियामेंट ने मे 1968 में आज सिविल डिफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा मेजर जो आ, किसी भी पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए हो प्रॉपर्टी के लिए हो या कोई जगह के लिए हो इंडिया के अंदर आ, या कोई भी पार्ट ठीक है हमारे देश का कोई भी पार्ट आ, अगेंस्ट एनी हॉस्टाइल अटैक मतलब कि कोई भी हॉस्टाइल मतलब हमारे देश से बाहर या आ, मतलब अपरिचित अटैक है ना चाहे वो लैंड सी या एयर कहीं से भी हो सकता है आप एक बार इसको पढ़ सकते हो सिंपल है कि सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस मेजर तो नागरिक सुरक्षा उपाय में क्या क्या शामिल है तो आपका प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर कंट्रोल मेजर और रिस्टोरेटिव मेजर सर्विस ऑफ सर्विसेज ऑफ सिविल डिफेंस कॉप्स नागरिक सेवाएं कोर की नागरिक नागरिक सुरक्षा कोर की सेवाएं तो ये आपका आ जाता है हेडक्वार्टर सर्विस वार्डन सर्विस ये एक ऐसा लिंक है जो पब्लिक और अथॉरिटी के बीच में है आम जनता और जो आ, अथॉरिटी मतलब जो हेड है वहाँ के उनके बीच में है ये सर्विस ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ़ हेल्प पार्टीज़ तो अगर मान लो कि कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो ये सेल्फ़ हेल्प पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं फायर पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करती हैं ताकि रिस्ट्रिक्शंस देख सकें और डैमेज कहीं पर हो रहा है तो उसको रिपोर्ट कर सकें ताकि ये फटाफट रेस्ट सेंटर्स में इसकी रिपोर्ट्स जमा करवा सकें फायर फाइटिंग सर्विस कैजुअलिटी सर्विस कि भैया कितने क्या कैजुअलिटीज़ हैं एंड ऑल तो इसका क्या सर्विस है कैजुअलिटी सर्विस का कि रेंडर कर सकें ये फ़र्स्ट एड ऑन द स्पॉट कि भैया अगर कहीं पे कोई भी कैजुअलिटी है सबसे पहला उसका काम ही होता है फ़र्स्ट एड देना ताकि जो भी दिक्कत है वो फटाफट पहले कम से कम मतलब परेशानी हो फिर है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि शॉर्ट डिस्टेंस पे कैजुअलिटी का ट्रीटमेंट हो जाए फिर है अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कैजुअलिटीज़ को दूर भेज सके। फिर अगला है आपका कम्युनिकेशन सर्विस ये सर्विस रिस्पॉन्सिबल है रेसीट और डिसमिनेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग फिर है आपका प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़ प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वार्डन पोस्ट कंट्रोल सेंटर थ्रू मैसेज और टेलीफोन एक्सेट्रा तो ये कम्युनिकेशन सर्विस है ठीक है तो इसमें ऐसा है कि भैया कोऑर्डिनेशन हो आपस में है ना एयर से जो भी वार्निंग सर्विसेज है ये देख लें इसको और जो भी कम्युनिकेशन है कंट्रोल सेंटर्स के थ्रू मैसेंजर टेलीफोन इन सबको भी ये लोग देख लें फिर है आपका रेस्क्यू सर्विस वेलफेयर सर्विस डिपो ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लाई सर्विस कॉर्प्स डिस्पोजल सर्विस भैया कोई मर गया तो उसके कॉर्प्स को भी हटाना पड़ेगा ना वहाँ से तो ये सारा अगला है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है तो विपदाएँ किस टाइप की होती हैं तो नेचुरल है मैन मेड है नेचुरल में आप कह सकते हो आपका ये आ गया अर्थक्वेक है सुनामी है फ्लड है है ना जो अपने आप हो जाता है प्राकृतिक तरीके से हो जाता है मैन मेड होता है जो जो इंसान जिसकी जो इंसान की वजह से हो जाता है आर्टिफिशियल तरीके से होता है तो इसमें क्या होता है लार्ज स्केल ह्यूमन और एनिमल लाइफ हो जाती है मतलब ख़तरा हो जाता है जैसे कि इंसान और जानवरों की ज़िंदगी में बहुत खतरा हो जाता है प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है है ना और uh... तो ये मतलब बहुत सारी एक दिक्कत हो जाती है सब कुछ तहस नहस हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए एक बहुत ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इसी को हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको मैनेज कैसे किया जाए तो वो आपका हो जाती है पूरी प्लानिंग को डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यह है आपका एन डी एम ए हो सकता है आपको आबरीविएशन में पूछ लें तो एन डी एम ए का फुल फॉर्म याद रखना ऑल नेशनल लेवल में ऑपरेट करता है आपका एन डी एम ए ये एपिक्स बॉडी है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इसको सबसे टॉप पे कौन मैनेज करता है इसको तो ये है आपका एन डी एम ए और इस कमेटी के हेड कौन है आपके प्राइम मिनिस्टर इसके हेड हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्या किस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि ये पॉलिसी को ले डाउन करती है और देखती है प्लान बनाती है सब कुछ करती है कि कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखा जाए कैसे इसको मतलब इफ़ेक्ट मतलब कैसे बेसिकली इसको देखा जाए ताकि कम से कम टाइम में ये दूरियां तय कर ली जाएँ है ना कि जैसे अगर कहीं पे ही अर्थ को एक आ जाता है तो वहाँ पे कैसे फटाफट पहुँचा जाए या कैसे वहाँ पे फटाफट राशन पानी पहुँचाया जाए वहाँ पे कैसे फटाफट से जो कैजुअलिटीज़ हैं जो मर गए हैं उन्हें कैसे वहाँ से हटा दिया जाए फटाफट है ना या फिर कैसे वहाँ जो बीमार हैं उनको वहाँ से कैसे फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज की जाएं ये सारा आपका एन के हाथ में होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नेशनल लेवल पे मतलब जो आ, सीधा आ, नेशन देखेगा लाइक जो सेंटर देखेगा वो क्या है प्लान बनाना और अप्रूव करना सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्लान्स को ऐसे मेजर लेना जिससे जो डिज़ास्टर है या जो ये विपदाएँ हैं ये हो ही ना ठीक है क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन सबसे बेटर है अगर हो ही ना तो उससे अच्छा क्या हो सकता है तो मिटिगेशन के लिए या फिर आ, इन सब चीज़ों के लिए कि अगर ये आ, हम इसको प्रिवेंट कर दें कि ये हो ही ना तो ये तो बहुत बेस्ट है और अगर भैया ये हो जाता है तो उस केस में या विपदा आ जाती है या डिज़ास्टर हो जाता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं तो वो प्लान ऑल्टरनेट प्लान को रेडी करना प्रोविज़न देखना और फंड रेडी करना फ़ंड निकालना कि, कि अगर दिक्कत हो जाती है तो कैसे कैसे करेंगे सुपरिटेंडेंस देखना कि भैया ओवरऑल देखना कि कौन कैसे डायरेक्शन देगा कंट्रोल करेगा तो इसकी भी फुल फॉर्म देख लेना एन है आपका नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स तो ये है आपकी टीम है ये जो ऑन द स्पॉट जाके देखती है फिर है फ्रेमवर्क को ले डाउन करना गाइडलाइन पॉलिसीज़ देखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एन आई डी एम फिर अगला है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है एन ई सी एन ई सी के अंदर क्या कौन कौन आता है यूनियन होम सेक्रेटरी वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मतलब मैंने आज सच ऐसा कोई देखा नहीं क्वेश्चन लेकिन आप स्टिल थोड़ा इसको ऊपर ही ऊपर पढ़ लेना ताकि अगर ऐसा आज कि ऊपर ही ऊपर इसको थोड़ा देख लेना कि अगर स्टिल आ जाता है तो कम से कम पता हो है ना कि थोड़ा बहुत कि अपने आप से ही थोड़ा बना के लिख लो अगर आपको थोड़ा ये एग्जैक्टली exactly इसका क्लासिफिकेशन टफ लग रहा है तो उस केस में अगर अंडरस्टैंडेबल है तो कर लो याद फिर तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपका एनईसी में कौन कौन है यूनियन होम सेक्रेटरी होता है एज चेयरपर्सन तो यूनियन होम सेक्रेटरी की पोजीशन क्या होगी उस पर चेयरपर्सन की सेक्रेटरीज़ हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के और इंटीग्रल डिफेंस स्टाफ भी इसमें होते हैं और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी होते हैं इसमें मेंबर के तौर पे फिर आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस अभी तक हमने देखा कि नेशनल लेवल पे है ना नेशनल लेवल पे uh, क्या है अभी आपका आ जाता है स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे आपका एस डी एम एड होता है, करता है चीफ मिनिस्टर्स को हेड करता है ये सिमिलरली सेम है ये ले डाउन करता है पॉलिसीज uh, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम uh, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं एक एस बनाती हैं जैसे एन बनाया था पिछले पेज पर पे। तो ये असिस्ट करेगा आपका एस को सारे फंक्शंस में ए आपका चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करेगा और स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलते हैं हाँ स्टेट गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी ताकि जो भी ये लोग प्लान्स बना रहे हैं ये प्लान इम्प्लीमेंट हो पाए नेशन पॉलिसी के अंतर्गत फिर आपका क्या आएगा स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाला कौन हेड करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो आपका डिप्यूटी कमिश्नर है या जो डी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो फिर आ... ये हो गया या फिर आपका लोकल अथॉरिटी अगर डीएम नहीं है वहाँ पे तो आपका ये लोक पंचायत और ये लोकल अथॉरिटीज़ वाला पीआरआई और ये सारा और फिर एक ओवरऑल देखा जाए तो आपका एक और टीम है ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ तो इसके भी काम रहते हैं देखने के क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर तो डिज़ास्टर को नेचुरल और मैन मेड क्लासीफाई कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है है ना इसको देख लेना ये क्वेश्चन तो आया है बी में भी आया है सी में भी आया है मेरा टाइम पे तो इसको जरूर देख लेना नेचुरल डिज़ास्टर विंड रिलेटेड वाटर रिलेटेड अर्थ रिलेटेड सीधी सी बात है नेचुरल है भैया है ना प्राकृतिक क्या है प्राकृतिक विपदाएँ हैं कैसे भी हो सकती हैं वायु संबंधित भी हो सकती है पानी के उसमें भी हो सकती हैं और भूमि संबंधित भी हो सकती है तो जो वायु वाली है आपकी इसमें क्या हो गया स्ट्रॉम तूफान साइक्लोन है ना तेज़ तूफान बहुत खतरनाक वाला उसको साइक्लोन कह लो टोर्नाडो देखा होगा एकदम गोल 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 जो एक बहुत आइसक्रीम uh, कोन जैसा बन जाता है ना डस्ट का तो वो टॉर्नाडो हो गया टाइडल वेव्स जो आपका uh, समुद्र और इसका मिलकर होता है लेकिन क्यों तो क्योंकि इसलिए हम इसको विंड में रख लेते हैं फिर आपका वाटर रिलेटेड है तो इसमें फ्लड हो गया है ना क्लाउड बस्ट बादल फटना और बहुत ज़्यादा रेन हो गया और एक तरफ रेन ही नहीं है सूखा पड़ जाना ड्राउट हो गया फिर है आपका भूमि वाला अर्थ रिलेटेड इसमें है आपका अर्थक्वेक सुनामी तो अच्छा हाँ ध्यान रखना सुनामी जो है ये आपका वाटर में नहीं आएगा ठीक है क्योंकि जो आपका सुनामी है सुनामी कायदे से आता तो पानी में है लेकिन ये होता आपका अर्थ में है आ, देखो सुनामी आपने देखा होगा जैसे क्या हिसाब होता है ना जो आपका अर्थक्वेक है है ना अर्थक्वेक तो भैया आपका टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलती हैं तो उससे आपका अर्थक्वेक आ जाता है अब जो आपकी सुनामी है सुनामी भी आपके टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता ही है मतलब उसी का कुछ सीन चलता है लेकिन उसके ऊपर पानी होता है तो भैया पानी का आ, वो हो जाता है तो देखा जाए तो उसका ओरिजिन है आपका अर्थ से वाटर से नहीं है ठीक है एवेल्चन एवेल्कि uh, फिर लैंडस्लाइड है है ना जो आपका ये भूमि खिसक जाती है पूरी ज़्यादातर पहाड़ों में होता है और वॉलैनिक इराप्शंस जो आपका लावा uh, वो निक, निकल जाता है आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट हिंदी में समझाने का फिर हिंदी मीडियम है नहीं एक्चुअली तो जो आपका पहाड़ों से वो हो जाता है ना लावा निकल जाता है बाहर तो वो हो गया फिर अगला है मैन में डिज़ास्टर तो बहुत सारे हैं कोई भी याद रख लेना चंद एक्सीडेंट है ठीक है रोड रेल एयर एक्सीडेंट या बिल्डिंग का ही गिर जाना तो कोई भी एक्सीडेंट है इसमें सबकी हानि होती है ठीक है माल हानि होती है इंसान की भी हानि होती है और जानवरों की भी हानि होती है सबकी इंडस्ट्रियल मिशाप है ना कि भैया गैस री लीक हो गई या कोई एक्सप्लोजन हो गया साबोटेज हो गया या सेफ्टी ब्रीच हो गया अब वही है इंडस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ होती है अब चाहे वो सेफ्टी में गड़बड़ हो जाती है साबोटेज हो गया कुछ भी हो गया लेकिन इंडस्ट्री में गड़बड़ होना फायर लग जाना है ना अब चाहे ये गैस फील्ड में कोल फील्ड में कहीं भी लग जाएगी बिल्डिंग में भी लग जाएगी वही बात है फॉरेस्ट फायर ठीक है ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर इंसानों की बदौलत लगती है प्रैक्टिकली तो काफ़ी कम लगती है ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी फॉरेस्ट फायर आपका मैन uh, मेड ही होती है कंटामिनेशन या पॉइजनिंग अब जैसे जो फूड पॉइजनिंग है या जो पानी में जो गंदगी uh, मिल जाती है ना या कर देते हैं जैसे इंडस्ट्री है वहाँ से आपका पानी में मिल गया तो उसकी वजह से जितने भी पानी uh, में जो जीव रहते हैं वो सब गए uh, मर गए वो सारे है ना या फिर जो आपका uh, अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया आपका एयर वहाँ पे भी बेचारे जितने हैं वो सब गए तो ये वाली बात है और इससे फिर इंसान भी अल्टीमेटली अफेक्ट होते ही हैं टेररिस्ट एक्टिविटी है ना किसी ने कुछ बम बम फोड़ दिया एक्सप्लोजन कर दिया तो इससे भी दिक्कत हो जाती है ज़्यादातर क्राउडेड जगह पे करते हैं भरी मार्केट में करते हैं इकोलॉजिकल है पल्यूशन बेसिकली अब कहीं का भी पल्यूशन हो दिक्कत तो हो ही जाती है फिर है आपका वॉरफेयर कि अगर कोई भी युद्ध होता है वॉर होती है उससे भी दिक्कत हो जाती है टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर अगर सिंपली नेचुरल पूछेगा प्राकृतिक पूछेगा उसमें कुछ भी लिख सकते हो वॉल कैनो लैंड स्लाइड अर्थक्वेक सुनामी हरिकेन फ्लड ड्राउट कुछ भी लिख दो लेकिन अगर पर्टिकुलरली वैसे पूछता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो विंड रिलेटेड वाटर रिलेटेड ए, अर्थ रिलेटेड ऐसे लिख सकते हो फिर है अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता दो तो अर्थक्वेक है ये नेचुरल फिनमिना है जो आपका वही टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो जाता है वाइब्रेशंस के थ्रू जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर होता है है ना ये जो बिल्डिंग है है ना ये कोलैप्स uh, हो जाती है बिल्डिंग उससे लाइफ प्रॉपर्टी सबको डैमेज हो जाता है काफ़ी इसको रिचर स्केल में मेजर uh, किया जाता है रीज़न क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हिलती हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे इसको इसकी जो स्टडी है जो अर्थ को एक की स्टडी है इसको सीस्मोग्राफी कहा जाता है अगला है आपका फायर फाइटिंग बिलीव मी फायर फाइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफी है ना एक टेम्परेचर से ऊपर तक जलाओगे है ना तो क्या होगा वो जल जाएगा जल जाएगा तो फिर जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा मतलब जो उसके ऊपर से लेयर लग जाएगी उसको हम फायर बोलेंगे फायर के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो इसको हम फायर ट्राइंगल भी कहते हैं तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन सबसे पहला अगला है आपका सफिशेंट हीट टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल टू ब्रिंग इट्स बर्निंग पॉइंट और इग्निशन तो अगला आप कह लो कि सफिशेंट हीट कह लो है ना मतलब अगले पॉइंट पे क्या ले लो कि इतनी गर्मी जल ही नहीं पाएगी फायर अगला है कम्बस्टेबल या बर्नेबल मटीरियल अगला है कि भैया जैसे लकड़ी है मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आग लग सके जैसे आपका लकड़ी है कागज है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट तीसरा है इतनी आग मतलब इतनी गर्मी इतनी हीट होनी चाहिए जितनी हीट उसको जला सके तो ये तीन चीज़ें आपकी हो गई अगला है मोड ऑफ स्प्रेडिंग फायर तो अगर हम बताएं कि आग किन चीज़ों से किन मकानिज़म से फैल सकती है तो आपका चार मकैनिज़्म से आग फैल सकती है पहला है आपका कंडक्शन अगला है कन्वेक्शन तीसरा है रेडिएशन और चौथा है डायरेक्ट बर्निंग मेथड ऑफ फायर फाइटिंग अभी हमने देखा कि आपका आग कैसे जलती है या आग बेसिकली uh, मतलब आग uh, कैसे बनती है तो ऑक्सीजन है ना अगला है इनफ हीट उतनी गर्मी और तीसरा है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसमें आग लग सके तो अगर हमको अब फायर को फाइट करना है बेसिकली या फायर को कट करना है तो इन तीनों चीज़ों का जो ट्राइंगल बना है ट्राइंगल बना हुआ है ऑक्सीजन uh, और ऑब्जेक्ट तीसरा आपका हीट तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को हमको हटाना पड़ेगा किसी एक को कट करेंगे तो आपका अपने आप ही आग बुझ जाएगी तो इन तीनों चीज़ों में से ही अगर हम किसी एक एक को कट करेंगे तो उन्हीं तीनों को हम बोलेंगे स्टारवेशन कूलिंग या स्मूदरिंग तो uh, आपका सबसे पहला है स्टारवेशन स्टारवेशन है रिमूव ऑफ फ्यूल रिमूव ऑफ फ्यूल तो अब फ्यूल में आपका क्या आ गया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो लकड़ी है या जो पेपर है जो भी हमने लिया है उसी को अगर हम हटा देंगे है ना तो आग हमारी जली नहीं पाएगी है ना मतलब उनमें से अगर कोई एक को भी हमने हटा दिया तो आग हमारी अपने आप ही बुझ जाएगी जैसे कि अगर एक कमरे में आग लग गई या एक कुर्सी में आग लग गई और वो आग फैल रही है तो हमने वो कुर्सी को ही हटा दिया तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी आग कम हो अगला है आपका स्मूदरिंग स्मूदरिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कि हम ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दें ऑक्सीजन का सप्लाई कट कैसे करेंगे उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया है ना या मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कट करने की कोशिश कर दिया थोड़ा अगर ऐसी जगह है तो उसको बंद कर दिया कहीं मतलब मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का सप्लाई कट करने की कोशिश करी अगला है कूलिंग इससे हम क्या कर सकते हैं हीट को हटाने की कोशिश जब पानी डाल दो उसके ऊपर अब डिपेंड करता है वो कैसी फायर है नॉर्मल होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फायर नहीं होनी चाहिए वो है ना आ, तो इसमें हीट को रिमूव कर दो मतलब हाँ रिमूव कर दो हीट को तो पानी डाल दो या अदरवाइज आपका वो आता है क्या बोलते हैं फायर एक्सटेंग्विशर उसमें भी इसी का काम होता है कूलिंग का ही मेथड उसमें यूज़ होता है तो अब इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर हम हटा देंगे कोई भी एक कॉम्पोनेंट हटा देंगे तो फायर आपकी सस्टेन कर ही नहीं पाएगी अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये फायर ट्राइंगल बना हुआ है है ना यही फायर ट्राइंगल की मैं पहले बात कर रही थी यहाँ पे देखो छोटा सा हीट फ्यूल और ऑक्सीजन इसका है ये ट्राइंगल अगला है राइट एनी फाइव रोल्स एन सी सी कैडेट कैन परफॉर्म इन मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विस ड्योरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ तो uh, क्या ऐसे पांच रोल है जो एन सी सी कैडेट कर सकते हैं ताकि नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू तो एन सी सी कैडेट एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं तो इससे वो लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको चोट लगी है सिविल वार्डन्स को असिस्ट कर सकते हैं ताकि वो ड्यूटी अपनी कैरी आउट कर सकें मतलब वही जो डॉक्टर हैं नर्सेज हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वालों की हेल्प कर सकते हैं टेलीफोन ऑपरेटर्स के तौर पर सैनिटरी डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकते हैं उनकी ड्यूटी में बेसिकली हेल्प ही कर सकते हैं है ना आ, क्योंकि आस-अच NC कैडेट्स की चीज़ में ट्रेन नहीं है, but we can help. तो NC कैडेट्स वो कर सकते हैं आज अम्बुलेंट असिस्टेंस या नर्सिंग असिस्टेंट इन हॉस्पिटल. तो हमारी वीडियो ख़तम होती है.